ये किसका है? टेम्परेचर है उसको। अच्छा हेलो चालू किया। हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लेट्स किक स्टार्ट विद द लास्ट सब्जेक्ट फॉर योर डे, कॉस्टिंग। कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट दैट यू गोना लर्न अकाउंट्स। एटलीस्ट यू हैड सम एक्सपोजर टू द सब्जेक्ट इन फाउंडेशन 11वीं 12वीं में, थोड़ा बहुत तो अकाउंट सीखे थे तुम। ये सब्जेक्ट का आपको ABCD भी मालूम नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली न्यू। तो आपको बेसिकली दो सब्जेक्ट नए हैं, टैक्स भी कंप्लीटली नया है आपके लिए, कॉस्टिंग भी कंप्लीटली नया है। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं जो सब्जेक्ट को स्कोरिंग का कैपेबिलिटी है ग्रुप वन के अंदर, वो कॉस्टिंग है नंबर वन पे, प्रोवाइडेड यू लर्न कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहां पे फॉर्मूला पूरा सब्जेक्ट में 8-10 फॉर्मूला, या मतलब जो याद रखना पड़ेगा ऐसा, मतलब मैक्स 4-5, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चीज है, नया सब्जेक्ट है कंप्लीटली। तो इसमें स्कोरिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम फेल्योर का स्कोप भी सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर आप इससे प्यार नहीं करोगे, आपको इतनी बुरी तरीके से ये पकड़ के मारेगा। रीजन वेरी सिंपल, सब कुछ नया है आपको, कोई भी मतलब अकाउंटिंग के टेक्निक्स या बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत चलो फॉर्मेट ड्रॉ करना है, टोटलिंग लेना है, डिविजन करना है, वहां तक सिमिलर है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत खतरनाक है नंबर वन। नंबर टू, धंधे का लॉजिक चाहिए यहां पर। यहां पे जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए आपको, बिजनेस लॉजिक चाहिए। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एनालाइज अ बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो मैं कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यहां पर मैं ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा। अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बोली कि हम कैसे पढ़ाई करने लगा ब्रीफली। कुछ बच्चे जो नए होंगे, मैं सी अभिषेक जावरे हूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ बीकॉम, आई जस्ट डन द CA कोर्स, नथिंग एल्स इन द लाइफ। दैट मच एजुकेशन इज मोर देन इनफ टू डू एनीथिंग इन द लाइफ, CA कोर्स हैज दैट कैपेबिलिटी। इसके साथ साथ कुछ और बिजनेसेस करता हूं छोटे मोटे, कुछ बड़े नहीं है, छोटे मोटे बिजनेसेस करते रहता हूं। तो चलिए नोटबुक खोलिए अपना, कॉस्टिंग, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट एक्सप्लेन करना है। यहां पे मुझे सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बात करना है। अकाउंट्स में आपको थोड़ा बेसिक मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, तो ये सब्जेक्ट नया है, तो लेट द कंटेंट वर्क फॉर यू। मेरे को पहले ये सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए 4-5 लेक्चर लगेंगे,
सारे कॉन्सेप्ट, चार पांच लेक्चर तो बेर मिनिमम लग जाएंगे मेरे को, सारा का सारा आपको ये सब्जेक्ट ना शुरुआत में आपको सबसे डेंजरस लगेगा, चारों सब्जेक्ट में सबसे डेंजरस सब्जेक्ट आपको शुरुआती दिनों में ये लगने वाला है, अंटिल लेट्स से फरवरी वगैरह, फरवरी या मिड ऑफ द मार्च ऑल्सो, और उसके बाद आपको चीजें रिकलेक्ट होती जाएगी, यार सबसे आसान तो यही है क्योंकि इसमें मेमोरी स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। टैक्स और लॉ में आपको टू अ सर्टन एक्सटेंट यू हैव टू रिमेंबर प्रोविजंस, अकाउंट्स के अंदर आपको कुछ फॉर्मेट्स आते हैं, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर तुम्हारा शियर बिजनेस लॉजिक है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं। बेसिकली आपने 11th से अकाउंटिंग सीखना शुरू किया, हाँ ना? टेल मी, वेरी बेसिक आसान भाषा में अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज बेसिकली अबाउट गैदरिंग दी रॉ डेटा। ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बिजनेस के अंदर वो आप क्या करते हो, गैदर करते हो, कहीं ना कहीं आप उसको रिकॉर्ड करते हो, राइट? और उससे आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हो। क्या किया आपने 11 12th में? रॉ डेटा मतलब क्या था, रिस्पॉन्स चाहिए। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शंस से कहां पर रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शंस, जर्नल सब्सिडरी बुक्स, उसमें आपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए, है ना? फिर वहां से आपने उसका प्रोसेसिंग चालू किया, तो जर्नल सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए, फिर वहां से आपने लेजर बनाया, लेजर से आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाते गए, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स थे, वहां से आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया बिजनेस का, ठीक है? तो ये जो एंटायर फ्लो था, ये फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों कर रहे थे आप? 10 मार्क मिलने वाले इसलिए या 100 मार्क मिलने वाले इसलिए? बिजनेस में करते क्यों अकाउंटिंग? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने कैरी आउट किए आपको पता तो चलना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, आपका प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है आपको, या सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है गुड्स की, या कोई धंधा बंद करना है, कोई धंधा चालू करना है, आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है। एग्जाम इमेजिन करो, आप सिर्फ सीए कर रहे हो और कोई एग्जाम ही नहीं है, किसको पास करने का, किसको फेल करने का, कोई समझेगा कुछ नहीं? तो आपको समझना तो चाहिए ना किसको पास करना है किसको फेल करना है। वैसे धंधे में आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ऐसा जरूरी करें सारे के सारे प्रोडक्ट पे प्रॉफिट आ जाए, कुछ प्रोडक्ट क्या रह सकते हैं, लॉस में रह सकते हैं, कुछ बिजनेसेस आपने चालू किए वो आपको जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वीक परफॉर्मेंस है। तो आपको ये समझना तो चाहिए कि ये बिजनेसेस है मेरे ये अच्छे कर रहे, ये बिजनेसेस मेरे ठीक से काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शंस आप कैरी आउट कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो, उन सारे ट्रांजैक्शंस को आपने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड कब करोगे, ट्रांजैक्शन होने के पहले या बाद में? अभी रिस्पॉन्स चाहिए ना, मतलब बेसिक ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होने के बाद करोगे भाई। फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया आपने ईयर एंड में, या क्वार्टरली बेसिस पे करते हो तो क्वार्टरली बेसिस पे पी एंड एल बैलेंस शीट बनाओ, जो भी आपको बनाने का, जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस तुमने सीखा वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या था बोलो मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है ब्रॉडली स्पीकिंग, कोई तो 5-6 ब्रांचेस बोलो कोई तो अभी इधर। जो आपने सीखा था वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या वर्ड यूज किया मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या है, 2 ब्रांचेस है किस चीज के, किस चीज के 2 ब्रांचेस है, अकाउंटिंग के 2 ब्रांचेस। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट ये है कि रॉ डेटा लेना है, उस रॉ डेटा को हमें प्रोसेस करना है सो दैट आई कैन टेक सर्टन डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। फाउंडेशन या 11 12th में आपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया था, आपका फोकस किस चीज पे था,
अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर था. एंटायर आपने अगर सब्जेक्ट का नाम याद होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी था. तो योर एंटायर फोकस वॉज अबाउट हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. योर फोकस वॉज नॉट ऑन हाउ टू टेक अ डिसीजन लाइक ये बिजनेस से मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, ये बिजनेस में मैं कितना लॉस कर रहा हूं, मेरा टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या था और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये बिजनेस का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस अकाउंटिंग में आपने नहीं पूछे थे. डिसीजन मेकिंग नाम की कंसेप्ट ही नहीं थी. इट वॉज वेरी वेरी लिमिटेड टू अकाउंटिंग प्रोसेस. बट रिमेंबर यू आर डूइंग दिस एंटायर अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, और फॉर द सेक ऑफ टेकिंग सर्टन डिसीजन. और डिसीजन लेने का काम जो है ना वो किधर रहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रहता है. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है या एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, फाउंडेशन पास हो गए उसमें अपने यूजर्स ऑफ अकाउंट करके एक टर्म किया होगा. अकाउंटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन आप जनरेट करते हो ना, ये इंफॉर्मेशन कोई ना कोई तो यूज करने वाला है डिसीजन लेने के लिए. द पर्संस हु यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नोन एज व्हाट, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस इज ऑन व्हाट, बोलो, यूजर्स ऑफ अकाउंट, लेकिन कौन से यूजर्स? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा फोकस है एक्सटर्नल यूजर्स पे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा फोकस कैसे है, एक्सटर्नल यूजर्स. हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स? आउटसाइडर्स, शेयर होल्डर्स आर आउटसाइडर्स. आप बोलेंगे है, कंपनी के जो ओनर शेयर होल्डर, तो हमने सीखा 11 12 में ओनर्स रहते कंपनी के. हाँ, लेट्स अज्यूम तूने कल रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए, अज्यूम पप्पा से पैसा लिया, रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, कितना पैसा लगेगा 10 शेयर के लिए? अप्रोक्सीमेटली 23,500. 2350 पे कहीं तो शेयर चल रहा है अभी, एक आजू बाजू 2350 का एक शेयर, 10 शेयर खरीदने के लिए 23,500. तुमने कल रिलायंस के शेयर खरीद लिए, लेट्स से तुम्हारे पास ब्रोकर का अकाउंट वगैरह है, सब कुछ है, पापा ने पैसा दिया, अकाउंट खोल लिया, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, तुमने अकाउंट खोल लिया, रिलायंस के 10 शेयर आ गए, आने का 2 दिन लगेंगे, इमीडिएट नहीं आते ऐसे खरीदने के बाद, ये अमेज़न का 10 मिनट का डिलीवरी नहीं है, बिग बास्केट रहता है, आने के लिए 2 दिन लगेंगे तुम्हारे अकाउंट में, 2 दिन में तुम्हारे अकाउंट में शेयर्स आ गए, अज्यूम करो आ गए. तुमको क्या लगता है उसके अगले दिन से मुकेश भाई तुमको फोन करके पूछेगा, जैसे तुमने शेयर खरीदे, क्या नाम है भाई साहब आपका? कुणाल. आपको फोन करके पूछेगा, कुणाल जी ये पेट्रोकेमिकल का जो डिवीजन है, इस डिवीजन में ये मशीनरी लगाना है, लगाए या ना लगाए, ये रिलायंस जियो का जो प्राइस है पैक का, वो प्राइस कितना रखे? डू यू थिंक मुकेश अंबानी इज गोना कॉल यू और द समबडी फ्रॉम रिलायंस इज गोना कॉल यू एंड टेक यूर फीडबैक? क्यों रे, तुम शेयर होल्डर ना, तुमने तो सीखा, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स. कैन यू गो टू रिलायंस ऑफिस एंड से टू सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड काम ठीक से कर, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई लर्न इन द कंपनी लॉ, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स. बोले ऐसा धोखे मारेगा ना उधर, पूरा गुस्सा जो कंपनी का ना, सारा का सारा गुस्सा वो तुम्हारे ऊपर निकाल लेगा वो. क्यों? मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट. व्हाट यू हैव टेकन, अरे व्हाट यू हैव टेकन ओनरशिप ऑफ रिलायंस, दैट टू पार्ट ओनरशिप. आपने कितने शेयर्स खरीदे उसके? 10 शेयर खरीदे, तो यू आर अ पार्ट ओनर ऑफ व्हाट? रिलायंस. यू आर नॉट अ फुल ओनर, यू आर नॉट अ फुल ओनर, यू आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ओनर. आप मैनेजमेंट में नहीं गए हो, मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, या डायरेक्टर्स के इलेक्शंस रहते हैं, आपके पास उतने शेयर्स होने चाहिए, बाकी लोगों ने आपको उतना सपोर्ट करना चाहिए, तो आप इलेक्शन लड़के क्या हो सकते हो? डायरेक्टर हो सकते हो, प्रोवाइडेड बाकी लोग आपके लिए वोट करें, या आप उधर जॉब कर सकते हो, एम्प्लॉय करके जा सकते हो, आपको एम्प्लॉय वो भी सीनियर लेवल पे गए तो ही डिसीजन मेकिंग रहता है, लोअर लेवल पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगा. तो आप डिसीजन मेकिंग गए तो आपको जो इंफॉर्मेशन लगेगी, और जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर है उसको जो इंफॉर्मेशन लगेगी, दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान है, दोनों टोटली डिफरेंट है. तुमने जब शेयर्स में इन्वेस्ट किया रिलायंस के, तुमको क्या चाहिए?
ईयर के एंड में तुमको पता चलना है सेल्स कितना हुआ, एक्सपेंस कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना भरा, लायबिलिटीज क्या है, असेट्स क्या है, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये साल के एंड में या क्वार्टरली, क्वार्टर समझता है क्या, क्या है पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ये तो सोचोगे क्वार्टर। सो क्वार्टरली बेसिस पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, असेट लायबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बस। और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो, डू यू वांट टू कंटिन्यू ओनिंग द शेयर्स और डू यू वांट टू सेल द शेयर्स, वो आपका डिसीजन है। बट यू कैनॉट फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स दैट आर बीइंग सोल्ड बाय रिलायंस, यू कैनॉट से टू मैनेजमेंट नो ये मशीनरी मत लगाओ, ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट मत करो, ये कंट्री में धंधा चालू मत करो, यू कैनॉट से दैट, ये कंट्री से रशिया से ऑयल मत खरीदो, अपना बाकी कंट्री से ऑयल खरीदो, यू कैनॉट से दैट, यू डू नॉट हैव एनी से इन डिसीजन मेकिंग। कब रहे, जब आप एक्सटर्नल यूजर हो तब, जब आप क्या हो एक्सटर्नल यूजर हो तब आप क्या कर सकते हो, आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। फोकस इज ऑन होम एक्सटर्नल यूजर, किस चीज का फोकस एक्सटर्नल यूजर पे है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आएगा बोलो मुझे, कंपनी के सबसे पहले शेयर होल्डर्स, या अभी प्रोप्राइटर के केस में मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि प्रोप्राइटर के केस में वही ओनर रहता है, वही सब कुछ करता है, वही मैनेजमेंट है, वही ओनर है, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन केस ऑफ व्हाट, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, फर्म में ओनरशिप किसके पास रहता है, पार्टनर्स, मैनेजमेंट किसके पास रहता है, पार्टनर्स, फर्म इज मैनेज्ड बाय पार्टनर्स ओनली। लेकिन कंपनी का एक ऐसा चीज है जहां पर सेपरेशन हो सकता है, कैसे सेपरेशन हो सकता है, कंपनी के जो ओनर्स है वो शेयर होल्डर्स है, आउट ऑफ देम फ्यू पर्सन्स आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अब वो डायरेक्टर्स ओनर्स में से ही हो सकते हैं या डायरेक्टर्स टोटली अलग भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं मतलब दे कैन बी जस्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉइज, देर आर सो मेनी कंपनीज विच आर रन बाय पीपल हु आर नॉट द लार्ज शेयर होल्डर्स, हु आर नॉट लार्ज शेयर होल्डर। आप बोलेंगे मतलब, एग्जाम्पल देता हूं, आदित्यपुरी मालूम है आपको, एवन हर्ड अबाउट आदित्यपुरी, जी भाई साहब करेक्ट, एचडीएफसी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, पूरा एचडीएफसी बैंक स्क्रैच से लेके आज जो पोजीशन में है वो इस बंदे ने क्रिएट किया है, आदित्यपुरी मालूम है तुमको, नहीं, उनके पास कितने शेयर्स, ही इज नॉट अ ओनर ऑफ एचडीएफसी बैंक, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही हैज ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट में सिग्निफिकेंट रहेगा वो, लेकिन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इट इज पीनट, व्हाई पीनट, ही वाज अ एम्प्लॉय देयर, ठीक है सीनियर लेवल पे थे, बट ही वॉज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग, ही वॉज नॉट अ शेयर होल्डर, ही वॉज नॉट अ ओनर, ही वॉज नॉट अ लार्ज, ही वॉज अ ओनर बट ही इज नॉट लाइक समथिंग लाइक मुकेश अंबानी हु ओन्स 40-50% ऑफ द शेयर्स ऑफ रिलायंस एंड मैनेजेस। तो कंपनी के केस में क्या रहता है, ओनर्स अलग रहते हैं और जो बिजनेस मैनेज करने वाले लोग रहते हैं वो डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज अलग होते हैं, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जो है वो आउटसाइडर्स है क्योंकि उनको डे टू डे बेसिस पे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए रहता है, उनको डिसीजन मेकिंग नहीं लेना रहता है। शेयर होल्डर्स वॉन्ट पोस्टमार्टम, व्हाट डू दे वॉन्ट, पोस्टमार्टम मतलब क्या होता है, तुम्हारे बॉडी का पोस्टमार्टम कब होगा, अभी होगा क्यों, अभी तक जिंदा है तुम, मरने के बाद वो भी कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से मरे तुम तो तुम्हारा पोस्टमार्टम हो सकता है, तो पोस्टमार्टम मरने के बाद होता है। वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी सारा कुछ होता है ना, ये कब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हेन डज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेक प्लेस, आफ्टर द ट्रांजेक्शन आर टेकन प्लेस, एक्सटर्नल यूजर्स है, पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद हम उनको एक ईमेल भेजेंगे या वेबसाइट पे डेटा अपडेट करेंगे या स्टॉक एक्सचेंज पे दे देंगे या लेटर पोस्ट से भेजेंगे, जो भी है भाई, ये पिछले एक क्वार्टर में या पिछले एक ईयर में हमने ये चीजें की, एज सिंपल एज दैट। एक्सटर्नल यूजर्स आर शेयर होल्डर्स, फिर बिजनेस के कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं या लेंडर्स हो सकते हैं, वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है क्या, तुमने बैंक से लोन लिया इसलिए बैंक तुमको बोलेगा क्या ये मशीन खरीदो ये मशीन मत खरीदो, तुमने घर के लिए बैंक से लोन लिया, बैंक बोलता है क्या इधर बेडरूम नहीं चाहिए इधर किचन चाहिए
ये फर्नीचर ऐसा नहीं करने का, ये सोफा ऐसा नहीं लेने का, बैंक बोलता है तुमको क्यों रे? अरे बैंक ने लोन दिया है, तुमको नहीं खरीदा है। तो जब तुम घर के लिए लोन लेते हो तो बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन टू डिसीजन मेकिंग। एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगाओ आप धंधे में, जब तुमने बैंक से लोन लिया, शुड द बैंक से नो 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 यू कैन नॉट डू दिस यू कैन डू दिस, ऐसा बैंक बोलेगा क्या? तो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ऑब्लिक लेंडर्स तुम्हारे बिजनेस के क्या रहेंगे? डेटर्स रहेंगे। डेटर्स, डेटर्स आर, हम बोलेंगे सर व्हाई डू क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? किसी बैंक ने तुमको लोन दिया या किसी क्रेडिटर ने तुमको क्रेडिट बेसिस पे गुड्स दे दिया, टेल मी आर दे नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग विल यू रीपे देम और नॉट? जस्ट आस्क SBI हाउ मच स्ट्रेस दे विल हैव बिकॉज ऑफ अदानी नाउ। दे हैव गिवन व्हाट लोन्स टू अदानी, सो दे विल बी नाउ मच मोर इंटरेस्टेड देन अदानी हिमसेल्फ। क्यों? पैसा SBI का है, SBI बाकी बहुत सारे बैंक है, SBI अकेला नहीं है। उन्होंने क्या कर करके अदानी को लोन दे के रखा, सो नाउ दे विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग विल दिस लोन कम बैक टू अस और नॉट। मुझे तो जेन्युइनली ऐसा बैंकरप्सी वाला प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, इट वॉज जस्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, शेयर प्राइसेस हैड गॉन आउट ऑफ द कंट्रोल। बट कुछ कुछ बिजनेसेस है जहां पर जेन्युइनली प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्रॉड वगैरह जो हो सकता है वो अलग अगर रहेगा तो, दैट इज नॉट येट कम आउट। एक किसी ने एक रिपोर्ट दिया, दैट इज नॉट अ लीगल अथॉरिटी, इट कैन बी फ्रॉड इट कैन बी नॉट बी, बट वो गवर्नमेंट कमेंट करेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट करेगी। अब वो इन्वेस्टिगेशन कितना फेयर होगा ये होगा वो नहीं मैं बोल सकता, उसके ऊपर मेरे पास कमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। दैट्स बेस्ट नोट, यू नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो कंपनी के जो लेंडर्स है आर दे नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग विल दे गेट देयर मनी बैक और नॉट? हाँ ना। फिर बोले सर डेटर को क्या टेंशन है, डेटर को काय को चाहिए? मैं एक कंपनी से माल रेगुलर बेसिस पे खरीदता हूं, मुझे ये पता चलना चाहिए उसका मार्जिन कितना है। हाँ बोलेंगे क्यों? उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है तो आई कैन डू अ बेटर निगोसिएशन विद देम एंड आई कैन गेट द गुड्स फ्रॉम देम एट अ लोअर रेट। आई कैन निगोशिएट बेटर। क्यों? इफ आई एम गोइंग टू निगोशिएट विद सम कंपनी एंड आई डोंट नो देयर फाइनेंशियल पोजिशन, लार्ज डील है, लेट्स से मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूं और मेरे को ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर सेटअप करना है, उसके लिए हम इंफोसिस पे पास गए, इंफोसिस वो सॉफ्टवेयर का कुछ 400-500 करोड़ रुपया कोट कर रहा है। बोले इतना? हाँ बहुत छोटा अमाउंट है। जरा सॉफ्टवेयर डिजाइन की TCS ने अभी एक UK का हेल्थ केयर सेक्टर का कंपनी है उसके लिए सॉफ्टवेयर बेचा, कितने में? 6400 करोड़ में। बोले हैं वही तो, तुमको मालूम नहीं है दुनिया क्या है, तुम ये नंबर जो तुम्हारे दिमाग में ना रुपीज, हम अपना सिलेबस में रुपीज 1000 रुपीज 500, तुम झगड़ा करेगा 10 रुपए के लिए 5 रुपए के लिए, जब तुम रियल लाइफ जाएगा ना 5-10 पागल है। अब तुम वो कंपनी है TCS के साथ वो डील कर रहा है सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए, उसको मालूम नहीं होना चाहिए क्या TCS कितना कमाता है? उससे क्या पता चलेगा उसको? निगोसिएशन कैसे करे, TCS का कौन से बिजनेस में कितना मार्जिन है, कौन से रीजन से कितना मार्जिन आता है, वो अगर पता चला तो यू कैन डू अ बेटर निगोसिएशन। सो दे आर एक्सटर्नल यूजर्स, डेटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए। गवर्नमेंट को क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए? टैक्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए टैक्स के लिए? अरे यार कितना टैक्स कलेक्ट करने का, कौन कितना टैक्स ये कर पे कर रहा है। तो फाइनेंशियल से प्लीज रिमेंबर, बहुत सारे लोग है ना P&L के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है ना मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू टैक्स, इतना धोखे मारूंगा ना। टैक्स इज नॉट पेड एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज। तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का हम बेस लेते, उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं जो आप इनकम टैक्स वाले सब्जेक्ट में सीखोगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं टैक्स लाइबिलिटी तुम्हारा कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज, आई हैव सीन पीपल, सर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 करोड़ इंटू टैक्स रेट 30%। आज हमने आप टैक्स रेट सीखे हो गए कि नहीं मालूम, आई डोंट नो, आएगा आपको एक दो दिन में टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट क्या है, इंडिविजुअल के टैक्स रेट क्या है। तो इंडिविजुअल है तो इतना टैक्स रेट रहता है, कंपनी है तो इतना टैक्स रेट रहेगा, बच्चा इमीडिएटली चालू हो जाए सर मैं आज सीख लिया टैक्स, अरे गधे रुक। P&L में जो प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, चल P&L दिखा, अच्छा P&L तूने ये चीजें दिखी है, ओके ओके ठीक है, उसमें प्लस माइनस करता है गवर्नमेंट। अब बोलेंगे क्यों करता है? टैक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारे देश में ग्रोथ होना चाहिए,
रिच लोगों से पैसा लेना चाहिए और पुअर लोगों को देना चाहिए। तुम लोगों से पैसा लेना चाहिए, मेरे को देना चाहिए। दिया ना तुमने पैसा? सो बट वो काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए, हमने नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? रिच लोगों से टैक्स कलेक्ट करके इनइक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी क्या करनी चाहिए? कम होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग रिच शुड बिकम पुअर एंड पुअर शुड बिकम रिच, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, बट देर मस्ट बी अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए टैक्स होना चाहिए, प्लस जो एरियाज ग्रो नहीं हो रहे हैं उन एरियाज में लोगों ने जाके बिजनेसेस सेट करने चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट बोलता है ये एरिया में अगर तुम प्रोजेक्ट सेट करोगे और प्रॉफिट कमाओगे तो भी हम आपसे टैक्स कम लेंगे, प्रॉफिट कमाया तो भी, या टैक्स लेंगे ही नहीं। हम लेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उस एरिया में कोई जाके धंधा चालू नहीं कर रहा है। उस धंधे को चालू किया तो गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स ब्रेक देता है तुमको, टैक्स इंसेंटिव देता है। लेकिन कितना तुमने प्रॉफिट कमाया उस धंधे से उस एरिया में, वो समझना तो चाहिए। कहां से समझेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर है? एक्सटर्नल यूजर। एक क्लासिक एग्जांपल है, दो मिनट में तुमको समझ में आएगा। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस वर्थ 3 लाख टू कस्टमर, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अरे रिस्पॉन्स दो ना, अरे मर गए क्या सुबह से? एक दिन बैठ गए तो लगेज में एंट्री क्या पास किया? कस्टमर टू सेल्स। फिर आपने क्या सीखा? सेल्स किधर जाएगा? पी एंड एल। कस्टमर अकाउंट किधर जाएगा? बैलेंस शीट अगर आउटस्टैंडिंग है तो। आपने ये क्वेश्चन पूछा क्या, सेलिंग प्राइस आया कहां से? नहीं। योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एंटायरली फोकस्ड ऑन वन थिंग, हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन एंड हाउ टू गिव इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट टेल यू? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट टेल यू एनीथिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग। हाउ डू आई डिसाइड अ सेलिंग प्राइस? अरे माल बेचने के पहले तुमको जो प्राइस से चाहिए वो प्राइस पे लेके जाना, मेरे को नहीं मालूम, ऐसा बोलेगा तुम कस्टमर को? कस्टमर जब सामने आएगा तो कस्टमर को क्या देना पड़ेगा? कोटे बिल देना पड़ेगा। अरे बिल देने के पहले उसको पता तो ले, मतलब माल तो बेच, बिल देना पड़ेगा। डायरेक्ट बिल पे गए, बिल देने के लिए तुमको प्राइस बोलना पड़ेगा। कस्टमर पहले आके क्या बोलेगा तुमको? मेरे को ये चीज खरीदना है, प्राइस क्या है? तुमको प्राइस बोलना पड़ेगा। प्राइस बोलने के लिए क्या चाहिए तुमको? तुमको पता होना चाहिए ना तुम्हारा कॉस्ट क्या है, तुमको कितना प्रॉफिट चार्ज करने का है। फिर कस्टमर निगोशिएशन करने लगा तो कितना डिस्काउंट देने का, कस्टमर को छोड़ने का या डिस्काउंट देके पटा लेने का, ये तुमको पता कब चलेगा? जब तुम्हारे पास प्रॉपर डेटा है। ये डिसीजन मेकिंग है, इसमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे। जर्नल एंट्री कब आता है रे? सब कुछ होने के बाद। मतलब घटिया एग्जाम्पल है बट देना नहीं चाहिए, बट तुम भी तुमको शादी करनी है, एंट्री सबसे एंड में आएगा, बट पहले आइटम जो है लड़का लड़की एज द केस में भी, आज नहीं 4 साल 5 साल के बाद सीए बने तो वो प्रोसेस कैसे करोगे वो तो पहले समझ लो। डिसीजन मेकिंग, तुमको एक्स पसंद है या वाई पसंद है, कन्विंस कैसे करोगे? घटिया एग्जांपल, आई नो दिस नथिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज डिसीजन मेकिंग वाला जो प्रोसेस है ना वो राइट हैंड साइड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कहीं ना कहीं आपने क्या करके रखने चाहिए? रिकॉर्ड करके रखने चाहिए। वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इस शाम में हम ये नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं सीख रहे। वो दोपहर में 2:15 से 4:30 अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपका दो सब्जेक्ट है इंटर में, ग्रुप वन अकाउंट एंड वॉट ग्रुप टू एडवांस अकाउंट। ग्रुप टू अकाउंट तो कुछ नहीं, सेम है, कोई एडवांस नहीं है, वो अपना इंस्टीट्यूट है। कुछ ग्रुप कभी लगता है तब एडवांस में जाता है, कभी लगता है तो बेसिक अकाउंट में आता है। अभी नए सिलेबस में दो एक होने वाले, तब कोई एडवांस नहीं रहा। ये लॉजिक अपना इंस्टीट्यूट का, पूरा सिलेबस का जो भी ड्राफ्ट आ चुका है ना, एंटायर सीए कोर्स पुट टुगेदर, 4 या 5 चैप्टर एड किए, 3 या 4 चैप्टर डिलीट किए, बस दैट इज हाउ द न्यू सिलेबस इज। वही तो मैं बोला, अपने सीए कोर्स में क्या हो रहा है अपने को मालूम है, बाहर दुनिया को मालूम है। दुनिया के लिए क्या है? न्यू सिलेबस टू क्रिएट अ स्किल्स, टू क्रिएट अ पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। वी आर गोना टीच साइकोलॉजी, वी आर गोना टीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस, बट
बाकी जो सब्जेक्ट है ना अकाउंटिंग कॉस्टिंग उतना कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है. पूरा कॉस्टिंग के अंदर एक चैप्टर जा चुका है जो बिगिनिंग से लेकर आज तक गलत सीखा है. तुमको भी गलत सीखना है क्योंकि तुम्हारा ओल्ड सिलेबस है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस किसके ऊपर है? एक्सटर्नल यूजर्स के ऊपर है. वो क्या है? ट्रांजैक्शन होने के बाद. राइट हैंड साइड क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस किसके ऊपर है? अरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस किसके ऊपर है? डिसीजन मेकिंग. ये डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? अरे मैनेजमेंट करता है. मैनेजमेंट मतलब इंटरनल यूजर्स. सिंपली से इंटरनल यूजर्स. क्योंकि सारा का सारा डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. वो कुछ चीजें डेलीगेट भी करते हैं ना. तुमको क्या लगता है हर चीज डायरेक्टर के पास जाती होगी क्या? परचेस करना है डायरेक्टर के पास, एम्प्लॉय अपॉइंट करना है डायरेक्टर के पास. नहीं ना, कुछ कुछ चीजें डायरेक्टर क्या करता है? डेलीगेट करता है. डेलीगेट, डेलीगेशन समझता है ना. लाइक घर में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मम्मी पापा लेते होंगे. कुछ चिल्लर डिसीजन लेना है, जा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर के आना है, जा बच्चे जा भर के आ, सब्जी लेने गए जा लेके आ, दूध लाने का जा लेके आ. वो काम तुम करता होगा. नया घर खरीदने का नहीं करने का, तुम चुप बैठने का. इन्वेस्टमेंट करने का नहीं करने का, तुम चुप बैठने का. तुमको नहीं पूछेगा कोई. तुमको कब पूछते? घर में जब डिसीजन मेकिंग छोड़े. आइसक्रीम कौन सा खाने का आज? बटरस्कॉच खाने का या स्ट्रॉबेरी खाने का? उस डिसीजन में तुमको साला पूछते होगे. या ऑर्डर स्विगी से करने का, जोमेटो से करने का, या कैसे करने का, उसके लिए तुमको पूछते होगे. क्या आइटम ऑर्डर करने का? वो मम्मी पापा. तुम सिर्फ क्या करता है? और मतलब लोअर लेवल का काम तुम करता है. लोअर लेवल का डिसीजन, हायर लेवल का डिसीजन घर वाले करे. तो वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ा हायर. नया प्लांट सेटअप करना है कि नहीं, वो प्लांट, वो डिसीजन वो लेंगे. अच्छा ठीक है, अभी प्लांट लगाने का है, ये तीन मशीन खरीदना पड़ेगा उसके लिए. वो मशीन का ऑर्डर प्लेस करने का काम तुम करो. चलो. सो डिसीजन मेकिंग कैन बी एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल, कैन बी एट अ मिडिल लेवल, और कैन बी एट अ ऑपरेशनल लेवल, एट अ लो लेवल. सो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों? डिसीजन मेकिंग के लेवल्स होते हैं. तो वो सारा डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो टेक्निक्स चाहिए, वो टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट डिसीजन मेकिंग टेक्निक. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस क्या था मैंने बोला बच्चों? ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना है. किधर रिकॉर्ड करने का है? मोबाइल फोन में ऐसा रिकॉर्डर चालू करके रिकॉर्ड करने का नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. और उससे क्या बनाने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रहता है. वो सारी चीजें कहां पर रिकॉर्ड करनी है तुमको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर्ड है. लेकिन उसके ऊपर डिसीजन लेने का अभी मेरे को. अब कुछ डिसीजंस ट्रांजैक्शन करने के पहले लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस ट्रांजैक्शंस होने के बाद. अब देखो, मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला था? गुड्स वर्थ ₹5 लाख सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस. सबसे पहले मेरे को क्या डिसाइड करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस. फिर डिसाइड करना पड़ेगा उसको क्रेडिट बेसिस पे बेचू या ना बेचू. और अगर क्रेडिट बेसिस पे बेचना है तो कितना एक्स्ट्रा लगाओ? हाँ बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा लगाओ, मतलब कॉमन सेंस है यार. कैश बेसिस पे अगर सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट है और आप क्रेडिट बेसिस पे माल बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस सेम रखोगे क्या? एक तुम के लीफलेट में देखा ना, इमीडिएट फी पे किया तो कम है, इंस्टॉलमेंट में किया तो ज्यादा है. क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. डिसीजन है लेकिन कितना ज्यादा लगाने का, क्या लगाने का? डिसीजन मेकिंग लेने का स्किल चाहिए ना तुम्हारे पास. अभी चलो ये इधर वाला डिसीजन बहुत छोटा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप जब करोड़ों में ट्रांजैक्शंस करोगे, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स में ट्रांजैक्शंस करोगे, कितना क्रेडिट देने का सामने वाले को, कितने अमाउंट तक का क्रेडिट देने का, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट देने का, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से लिखने का या सेलिंग प्राइस में ही चिपकाने का. बहुत बार आप जब क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हो माल, आपको इंटरेस्ट लगाया रहता है, आपको सिर्फ मालूम नहीं रहता है. लाइक तुम कभी विजय सेल्स में गए क्या, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गए क्या? उधर बजाज फाइनेंस का आदमी रहता है, उधर लिखा रहता है ऐसा उसके लीफलेट पे, इधर इधर ही लिखा रहता है ऐसा, जीरो कॉस्ट EMI. तुम बोलता है कितना अच्छा है बजाज फाइनेंस, मेरे को रेफ्रिजरेटर जीरो कॉस्ट EMI पे देता है. रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 70,000 लेट से. तुम्हारे जेब में 70,000 नहीं है, तुम्हारा लेट से तुमको एप्पल का फोन खरीदना है या तुमको लेट से लैपटॉप खरीदना है, तुम्हारे पास पूरा पैसा है क्या? अरे कम से कम रिस्पॉन्स तो दो ना यार. मैं बिना रिस्पॉन्स वाले स्टूडेंट्स को पाकिस्तान भेजेगा, इससे डायरेक्ट फ्लाइट करके पाकिस्तान.
पैसा नहीं तुम्हारे पास, तो तुम किधर गए? बजाज फाइनेंस के पास गए। बजाज फाइनेंस वाला बोलता है कुछ नहीं, 70,000 का रेफ्रिजरेटर, क्या करो आप 10 इंस्टॉलमेंट में करो, 7,000 के 10 इंस्टॉल। तुम बोलते कितना अच्छा आदमी है, 1 रुपया। तुम सच बोलते, सच में मतलब 1 रुपया भी ज्यादा नहीं? वो बोलता नहीं उतना ही। तुम बोलते यार कैसे, क्या डील मिला भाई मेरे को? तुम गए आपने उधर, फिर क्या करता है, फॉर्म भरो, फॉर्म भरने का प्रोसेसिंग फी, पहले चीज प्रोसेसिंग फी लगाएगा तुमको, माइनर प्रोसेसिंग तो प्रोसेसिंग फी एक इनकम है। दूसरा चीज, वो 70,000 जो सेलिंग प्राइस रहता है ना, उसके अंदर ही उसने ईएमआई के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो ऐड किया होता है। आप बोलेंगे है मतलब, अगर तुम उसको बजाज फाइनेंस वाले के पास नहीं जाते, विजय सेल वाले को बोलते हो मेरे को अभी कभी पेमेंट करना है, पहले पूछने का उसको, अभी कभी पेमेंट नहीं पूछेगा, पहले क्या पूछने का उसको, ईएमआई में दिया तो कितना? वो बोलता है 10,000 के 7 ईएमआई या 7,000 के 10 ईएमआई, व्हाटएवर। फिर उसको लगा ठीक है, मतलब ईएमआई में 70,000 देना पड़ता, मेरे पास अभी पूरा पैसा है, चल मैं इसको 68,000 में लेता, मैं उसको 69,000 में लेता, 68,000 या 69,000, आप ऐसा बोलते हो उसको, मान सकते हो? आप बोलेंगे कैसे? कि उसको इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है ना, शायद वो आपको प्राइस के लिए ना माने, वो क्या बोलेगा, सर 70,000 आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं 1,000 रुपए का आपको दूसरे डिस्काउंट कूपन देता हूँ, 2,000 के कूपन देता हूँ, आप 2,000 का कुछ तो और खरीद लेना, या इसके साथ में आपको एक हेडफोन भी गिफ्ट देता हूँ, या कुछ तो गिफ्ट देता हूँ, कुछ तो देगा तुमको। क्यों देगा? क्यों, वो 70,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तुम जब कैश पेमेंट इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करने का, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है। कौन लेगा डिसीजन? एक्सटर्नल यूजर, कंपनी के शेयर होल्डर लेंगे, फिर कौन लेगा डिसीजन? इंटरनल यूजर्स। कैसे लोगे, कैसे लोगे? उसके लिए कुछ तो टेक्निक होना चाहिए ना। वो टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है। टेक्निक्स क्या है वो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑल दिस टेक्निक्स आर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कितने हैं? कॉस्टिंग एंड व्हाट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ आपको उसमें से 2 में से क्या है, एक ग्रुप 1 में, दूसरा ग्रुप 2 में, बस फर्क इतना है। और एक एग्जांपल देता हूं, तो सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तुमको। सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। किस चीज का कॉस्ट कितना है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रॉफिट कितना आपका डिजायर्ड है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज गोना बी सेलिंग प्राइस। बट उसके बाद डिस्काउंट कितना देने का है, क्रेडिट लिमिट कितना देने का डिसीजन है ना। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, मेरे को शेयर्स इशू करना है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 10 रुपीज, इशू प्राइस इज 135 रुपीज। क्या है 10 रुपया? फेस वैल्यू 135 क्या है, इशू प्राइस डिफरेंस क्या है 125। क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटीज। 10 रुपए का शेयर हमने कितने में इशू किया? 135 में। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 135 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 125। अल्टीमेटली जाके यही एंट्री होगा, 10 रुपया शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो, प्रीमियम प्रीमियम को जाएगा, और 125 आपके बैंक में आया। डीडी, ये आपने फाउंडेशन में किया कि नहीं किया? किधर किया? कंपनी अकाउंट्स। वो क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नहीं आंसर किया तुमने उसमें? 135 आया कहां से भाई? हाउ विल यू डिसाइड प्राइस एट विच शेयर्स शुड बी इशूड? डिड यू इवन बॉदर टू आस्क अ क्वेश्चन? नो, ये मतलब कि मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ में सिखाया होगा, कितना सिखाया और तुमको कितना समझा वो तो बात दूसरी बात, सिखाया होगा वो तो अलग बात है, तुमको कितना समझा था फाउंडेशन में मालूम नहीं मेरे को, फाउंडेशन में था नहीं। बट एट व्हाट प्राइस विल यू इशू शेयर्स? क्वेश्चन मार्क। The price at which you will issue shares is a question mark. Why? It's a technique. You need to calculate. Price of the share can be calculated by variety of techniques. आगे जाके आपको group 2 में वो technique सीखने मिलेंगे. You can use discounted cash flow technique or you can use multiples technique. Enterprise valuation आप कर सकते हैं, उसमें से debt valuation करके equity निकाल सकते हैं. अलग-अलग techniques है. How do you want to find a fair price at which share should be issued? That is covered in which part? अरे बोलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारे क्या है, एंटायर राइट हैंड साइड इज जन्नत, बिकॉज दिस इज नॉट गोना बी
पोस्टमार्टम, आपको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए, यू शुड बिकम मैच्योर्ड। प्राइड मतलब सिंपल डिसीजन है ये, मैंने क्या दो क्वेश्चन आपको पूछे, पहला सेल्स का एंट्री पूछा, आपने सेल्स का एंट्री किया, दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स, दोनों क्वेश्चंस का अकाउंटिंग आपने अकाउंट्स के अंदर सीखा, लेकिन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर कैसे डिसाइड करूं, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करूं, सेलिंग प्राइस डिसाइड के तो क्रेडिट पीरियड कितना देना है कैसे डिसाइड करूं, क्रेडिट पीरियड दिया तो डिस्काउंट, अगर उसने इमीडिएट पेमेंट बोला तो डिस्काउंट कितना दूं, ये क्वेश्चंस आपने कभी आंसर ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट अप कर सकता हूं, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री तो आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सीखेंगे ग्रुप ऑन अकाउंट्स में, लेकिन कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे तो 40 है म्यूचुअल फंड, उनके स्कीम वगैरह देख ले तो 3000 है, 3000 में से इन्वेस्ट किधर करूं, बोलो कैसे डिसाइड करोगे आप, कोई टेक्निक है? हाँ है, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उसके लिए शार्प रेशियो हो सकता है, उसके लिए जेनसन अल्फा रेशियो निकाल सकते हो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, अलग अलग रेशियोज है, ट्रेनर रेशियो है, जैक ट्रेनर ने दिया हुआ, सारी सिलेबस में तुम्हारे कॉस्टिंग में नहीं डर मत, हलो यार ये अभी तो बोला था इसने 4-5 फॉर्मूला है और अभी तो ये 3 नाम ऑलरेडी बोल दी इसने, धीरे धीरे आएंगे सब चीजें, डरना मत, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने वही बोला ना तुमको सब्जेक्ट नया है, सिर्फ मैं तुमको डाके बोल सकता हूं, चलो अच्छा लिखो कॉस्टिंग का डेफिनेशन, 3 लाख डेफिनेशन आ गया, फिर ये ऐसा ऐसा हम कॉस्टिंग में करेंगे, नया सब्जेक्ट है, यू विल नॉट डेवलप अ लाइकिंग टुवर्ड्स इट, ए दरवाजा लॉक कर रहे हो, सो यू विल नॉट डेवलप अ लाइकिंग टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, ये कंप्लीटली नया है, तो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग योर माइंड सेट to the level which is expected by chartered accountancy course, kyunki mujhe definitions वगैरह से ज्यादा interest, पहले आपको धंधे का logic मेरे को आपको सिखाना है, given a profitability statement or given a investor presentation you should be in a position to analyze, not tomorrow, by the end of the entire management accounting that you learn costing plus fm, और ये दोनों subject आपको, चलो अभी CA final में तो costing नहीं रहने वाला आपके time पे, CA final में से costing मार्क्स के फॉर्म में नहीं है, वो इंस्टीट्यूट विल बी प्रिपेयरिंग अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर इट, इन केस यू नो सीए फाइनल से कॉस्टिंग और लॉ डिलीट किया है फ्रॉम अ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर जस्ट गोना क्रिएट अ ई लर्निंग मॉड्यूल, यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन, अभी वो घर पे बैठ के देखना है या इंस्टीट्यूट के ऑफिस में जाके देखना है, वो चॉइस अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं वो इधर इंस्टीट्यूट के ऑफिस में जाकर देखना है, क्योंकि घर पे बैठ के तुम मम्मी को भी बैठा सकते हो उधर, मम्मी क्लिक कर चल बढ़ सकते हैं तुम, ये तुम्हारा छोटा भाई है पनिशमेंट देना है उसको, चल क्लिक करते जा सिर्फ इसके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, और एग्जाम देने के टाइम पे आप क्या रिपीट एग्जाम 10 बार लेने का, जो आंसर गलत गया है उसके बाद तो सही तो दिखाएगा कहीं ना कहीं, तो नोट करके रखना है, वापस देने का एग्जाम ऑनलाइन है, तो कुछ भी कर सकते, तो फाइनल में आपका ये सब्जेक्ट वापस है दोनों। चलो और एक क्वेश्चन बोलता हूं, मेरे को मशीन खरीदने का है, मैं आपको 3 अभी तक क्वेश्चन पूछे, तीनों क्वेश्चन में अकाउंटिंग को दे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या और फैंसी इन्वेस्टमेंट इन सो एंड सो म्यूचुअल फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अरे चूज कैसे करो, लेकिन वो किसने आंसर नहीं किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने, क्रेडिट सेल पे माल बेचा एंट्री मालूम है, सेल करूं या ना करूं मालूम नहीं, शेयर इशू किया जर्नल एंट्री मालूम है, प्राइस क्या है मालूम नहीं है, मशीनरी खरीदना है मशीनरी खरीदा एंट्री बोलो, चलो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ इंटेलिजेंट पीपल यू आर, बट मेरे पास मशीन खरीदने के लिए 3 अलग अलग चॉइसेस है, हर एक मशीन का कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन अलग है, हर एक मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट अलग है, हर एक मशीन से जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकता है वो अलग है, हर एक मशीन का लाइफ अलग है। चलो अब 3 मशीन में से कौन सा मशीन बोलो, ये मोबाइल फोन खरीदने इतना आसान नहीं, यूट्यूब वीडियो देख लिया, इसका रैम इतना है, इसका स्क्रीन इतना है, या ये ऐसा है, यूट्यूब वीडियो देख लिए और फिर चूज कर लिया ये मोबाइल मैंने अच्छा है मेरे लिए, क्यों, मोबाइल फोन जब तुम खरीदता है तब तुमको उससे रेवेन्यू नहीं मिलता कुछ, इधर मशीन जब खरीदता है तो उसके लिए तुमको पैसा लगाने का है, उससे रेवेन्यू मिलेगा, उसका लाइफ अलग है, उसका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अलग है, उसका टैक्सेशन अलग हो सकता है, अलग अलग एरियाज में आपने मशीनरी लगा दिया तो आपने बैकवर्ड एरिया में मशीन लगाया टैक्स कम हो सकता है उधर, इनडायरेक्ट टैक्स रेट अलग हो सकता है अलग अलग जगह पे, दिमाग चल रहा है क्या अभी, तो आपने अब तक सोचा यार मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना आसान था,
बट बैक एंड में आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार सारा ये एंट्री करने के पीछे कितना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। या आपने किसी का धंधा खरीद लिया, बोले धंधा खरीद लिया मतलब अडानी जी ने बहुत सारे धंधे खरीद लिए थे पिछले 2-3 साल में, अंबुजा सीमेंट मालूम है, गुजरात अंबुजा था पहले, अभी अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, वो धंधा खरीद लिया अडानी जी ने। जनरल एंट्री क्या, बिजनेस जब परचेस करते हो आपके सिलेबस में अमालगमेशन अकाउंटिंग, मर्जर हो गया दो, या शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, या अगर आपने धंधे को क्या कर लिया, मर्ज कर लिया, उनके एसेट्स आपके बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगी, उनकी लायबिलिटीज आपके बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगी, और आपने उसके लिए आपके शेयर्स इशू कर दिए। अकाउंटिंग बहुत आसान है, लेकिन धंधा खरीदू या ना खरीदू, खरीदना है तो मेरे शेयर्स के फॉर्म में उसको पेमेंट करूं, या मेरे डिबेंचर्स के फॉर्म में पेमेंट करूं, या बैंक लोन लेके पेमेंट करूं, कैसे डिसाइड करोगे? डिसीजन मेकिंग। तो मुझे क्या चाहिए, दिमाग मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से तो चलेगा ठीक है, लेकिन सिर्फ मार्क्स बोला ना बेटा, तेरे को पूरा का पूरा चीज रटना पड़ेगा, तेरे को रटना ही पड़ेगा ये सब्जेक्ट के, मेरे को बिल्कुल रटना नहीं इसको, थोड़ा टाइम मेरे को ज्यादा लगेगा ये दिमाग डेवलप करने के, लेकिन तुमको शुरुआत में लगेगा यार हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, इतनी सारी चीज है, क्योंकि इट्स न्यू सब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन टू, ये जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाले, मेरे को पूरा मतलब सारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन कॉस के अलग अलग कॉन्सेप्ट वगैरह करने के लिए 8-10 लेक्चर लगेंगे बच्चों, लेकिन अगर मैं 8-10 लेक्चर नहीं दिया ना, मैं तुमको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तुमको मालूम नहीं रहे, तुमने क्या सीखा, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, 2 दिन रुको तुम्हारे दिमाग में से फिक्स कॉस्ट में निकालता होगा ऐसे, 2 दिन रुको सिर्फ, तुमने वो चीज सीखी नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहता है, उसमें कुछ फिक्स एलिमेंट रहता है, कुछ वेरिएबल एलिमेंट रहता है। अब मैं तुमको बोलू, ये तुमने फाउंडेशन में सीखा है, रिग्रेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स बोल रहा था उधर कोई, तो तेरा गलती नहीं है, तेरे को लगता है इकोनॉमिक्स में सीखा, लेकिन उसका सच लॉजिक किधर मालूम है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन आपने लाइन का इक्वेशन सीखा होगा, उस लाइन के इक्वेशन में आपने इंटरसेप्ट किया होगा, एक लाइन है वो ऐसा वाई एक्सिस को कट करता है, एम है वो स्लोप है, उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट आएगा, कुछ फिक्स कॉस्ट आएगा, बोलेगा सर प्लीज सर वो मैथ्स मत याद दिलाना, तुमको मैथ्स आता है या नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना मैथ्स वाला बच्चा जिसको रिग्रेशन का ए बी सी भी नहीं आता, तुम भी रिग्रेशन कर पाएगा, और एक्चुअल कंपनी के डेटा के ऊपर, प्रोवाइडेड यू ओपन अप योर फोन एंड यूज एक्सेल। मेरे को मैथ्स का बिल्कुल फॉर्मूला नहीं चाहिए, मैं तुमको बिना फॉर्मूला यूज करके सिखाएगा, एंड में जाके फॉर्मूला बोलेगा सी एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में एक्सेल तो नहीं आएगा ना, एग्जाम में क्या आएगा, फॉर्मूला। लेकिन आप अब तक आपको क्या मालूम नहीं है, वो फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक ही मालूम नहीं है। रिग्रेशन सिखाने की कोशिश की थी मैंने, मेरे को याद है एक संडे को मैंने रिग्रेशन लिया था, पूरा लेक्चर खत्म किया था, और मैंने बोला था मैं अभी रिग्रेशन सिखाऊंगा प्रैक्टिकल से, जिसको रुकना है रुको, साले कमीने 70-80 बच्चे लेक्चर छोड़ के चले गए इसी क्लासरूम से, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं ना। अब वही तो प्रॉब्लम है, तुम अगर मैं तुमको सेमी वेरिएबल का समय, तुमको एक नंबर, तुमको मालूम नहीं कंसेप्ट के अंदर क्या है, मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर बोल, तुमको एबीसीडी भी मालूम नहीं सिलेबस के अंदर क्या है, मेरे हाथ में तुम्हारा दिमाग कैसे मोल्ड करना है। मैं तुमको बेसिक बेसिक कुछ चीजें बोल के ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूं कि तुमको सब कुछ मालूम है, जबकि तुमको मालूम नहीं। अभी ये भाई साहब का जो लॉजिक था इसका गलत नहीं है, उसको लग रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसने इकोनॉमिक्स में सीखा, लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो ट्रू लॉजिक है ना, उसको बाइफर्केशन कैसे करना है वेरिएबल और फिक्स में, वो मैथ्स में। अभी तूने मैथ्स हिट किया होगा, कितने मार्क्स, 40, कैसे परफेक्ट जान लिया उसका, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन हिट समथिंग, बट देखो वही बोलता हूं, वही रिग्रेशन से तो पागल हो जाएगा। मैं तेरे को ऐसे ऐसे रिग्रेशन के एप्लीकेशंस बोलूंगा, ईच वन ऑफ यू, प्रोवाइडेड आपके फोन में एक्सेल है, फोन में एक्सेल नहीं तो एक्सेल डाउनलोड करके रखना, क्योंकि हेवी साइज का ऐप है, घर पे जाने के बाद आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करके रखना, या गूगल पे बाय डिफॉल्ट शीट्स आता है, शीट्स में थोड़ा फंक्शंस थोड़ा सा अलग है फंक्शनलिटी, आपके पास मेजोरिटी लोगों के पास एंड्रॉइड के फोन होंगे, तो एंड्रॉइड पे भी माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप आता है, फ्री है, पैसा देने का जरूरत नहीं है, वो डाउनलोड करके रख सकते हैं, नहीं तो शीट्स का बाय डिफॉल्ट ऐप होता है। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या, एग्जाम के लिए जीरो यूज, रादर निगेटिव भी हो सकता है क्योंकि आपका टाइम जाता है, बट मैं निगेटिव नहीं मानता इसको, मैं पॉजिटिव मानता। क्यों, वो चीज से तुमको याद रखने के लिए तुमको एटलीस्ट मालूम पड़ेगा
कि यार ये कंसेप्ट कहां से, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो बाइफरकेशन है, मैं आगे जाके मार्जिनल कॉस्ट में चैप्टर में बोलूंगा, देख ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका वेरिएबल इतना है, इसका फिक्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसको पीवी रेशो बोलते हैं, पीवी रेशो को हम ऐसा ऐसा धंधे में इंप्रूव करेंगे। अब तुमको क्या कर रखना पड़ेगा, स्टेप वन हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप टू हाउ टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेप थ्री हाउ टू कैलकुलेट पीवी रेशो। तुमको सिर्फ स्टेप्स याद रखने पड़ेगा, तुमको उसका जेन्युइन लॉजिक कभी समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको मैं हाइपोथेटिकल बिजनेस का नाम नहीं लूंगा, मैं खुल्लम खुल्ला नाम लेके बोलूंगा ये ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसा ऐसा ही है। मैं तुमको मेरा कॉस्टिंग का 29 अगस्त 2022 का वीडियो दिखाता हूँ, तुम्हारे ग्रुप पे शायद लिंक भेजा था कि नहीं मैंने मालूम नहीं, आज भेजूंगा मैं, तुम्हारे ग्रुप ही नहीं क्रिएट किया ना, करेंगे क्रिएट। 29 अगस्त 2022 इसी क्लासरूम से शाम के ऐसे 6:30 6:45 होता, मेरे बच्चों को बोला था अदानी का भांडा फूटेगा 6 से 7 महीने के अंदर। अभी यहां पर ऑडियो चलता नहीं है, तुम नहीं ऑडियो किधर, उसने क्या कनेक्ट किया कि नहीं किया, नहीं वो माइक नहीं, एप्पल एप्पल बहुत कमी ना है ऑडियो किधर, तो और ही बेचता हूं। यू कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस, आई एम नॉट सेइंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 100% ऑफ द केसेस, यू विल बी आई डोंट गो राइट इन ऑल द केसेस, आई डू मेक अ मिस्टेक्स। इफ एनीवन सेज दैट ही विल नेवर एवर मेक अ मिस्टेक इन द लाइफ, यू शुड इग्नोर दैट पर्सन, इज अ बुलशिट फेलो। No one is perfect in this life. No one. तो आप, लेकिन आपको एटलीस्ट एनालिटिकल स्किल चाहिए, धंधा है यार डिसीजन में इतने सारे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिया, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना डे टू डे डिसीजन है, उसके लिए आपको जो रेशो चाहिए सारे सीए कोर्स में आप सीखोगे। आपको कोई कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, उसको अलग अलग एंगल से एनालाइज करना है प्रॉफिट को, डिसीजन है। मेरे जो बिजनेस है, कोई बिजनेस है उसका आपको मैं 10 साल का डेटा देता हूं और 10 साल का कॉस्ट का स्ट्रक्चर देता हूं, मैं बोलता हूं इसमें से वेरिएबल ढूंढ कितना है और फिक्स कॉस्ट कितना है ढूंढ। ये डेटा आपको एनुअल रिपोर्ट से पहले गैदर करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट से उसने कितना कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, उसके कॉस्ट क्या क्या है, उसका एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा और शीट बना के विदाउट नोइंग एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला यू विल बी एबल टू परफॉर्म एनालिसिस, यू विल बी फॉर श्योर। अभी मैं यहां पे सिर्फ हाइपोथेटिकल डेटा ले लूंगा और फिर आपको बोलूंगा देखो ये अभी मेरे पास कुछ पेड पैकेजेस है तो वहां से मैं डेटा खींच लूंगा, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने का बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। लेकिन यू आई मेक यू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। ऐसे इतने सारे डिसीजन है ना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, रिस्क कितना है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस यूज करके आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके सिलेबस में कितना कॉस्ट इंकर होना चाहिए था, कितना कॉस्ट इंकर हुआ, दोनों का डिफरेंस निकाल के कहां कहां कॉस्ट ज्यादा इंकर हुआ एनालिसिस कर कॉस्टिंग के अंदर है, और डिसीजन ले ले कहां कहां तूने ज्यादा कॉस्ट इंकर किया, उसको करटेल कर, उसको कम कर। ऑल अबाउट व्हाट, डिसीजन मेकिंग। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, शॉक हो जाओगे आप। क्लोजअप वॉन्टेड टू एंटर इन टू द मार्केट, टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट उसके पहले नंबर वन पे था, सॉरी पेप्सोडेंट अपना कोलगेट वाला डेंटिस्ट का सुझाव हुआ नंबर वन ब्रांड, एक ही लेन कोलगेट, कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था इजीली, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्योंकि कोलगेट के सेल्स जेन्युइनली थे, कुछ फेक नहीं था, कुछ नहीं था। और ये जो क्लोजअप वाले लोग थे, इनको कुछ ना कुछ तो करके अभी अपना सेल बढ़ाने का, लेकिन क्या क्या करें, अपना सेल्स का नंबर जो है वो कैसे बढ़ाए, सेल्स का जो टूथपेस्ट अपना बिक रहा है वो बढ़ाए कैसे, दे आर ट्राइंग टू एनालाइज दैट। एंड उसमें वन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट वॉज देयर एंड ही वॉज ट्राइंग टू एनालाइज फिक्स कॉस्ट ऑफ क्लोजअप एंटिटी। फिक्स कॉस्ट समझता है, अ कॉस्ट विच रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। बच्चों फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम ऑन टोटल बेसिस, मतलब देखो ये ग्राफ, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है, व्हाट इज देयर ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या है कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के केस में क्या होता है, दैट लाइन इन अ शॉर्ट रन इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल फिक्स कॉस्ट, हा ना, इट्स अ टोटल फिक्स कॉस्ट, आर यू क्लियर विद दिस,
टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम ऑब्वियसली इन अ पर्टिकुलर ईयर है. सो दिस इज क्वांटिटी अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी फॉर 2023-24 के लिए आप अलग अलग क्वांटिटीज लो और उसके लिए क्या करो आप कॉस्ट डिटरमिन करने की कोशिश करो. जो कॉस्ट सेम रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, अरे उसको क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे. हा है ना, पक्का क्लियर है क्या, उसको क्या बोले हम, फिक्स कॉस्ट बोले इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. अब दूसरा चीज ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट ग्राफ. और एक ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी प्रोड्यूस, वाई एक्सिस पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग टोटल कॉस्ट आई टेक कॉस्ट पर यूनिट, जिसको आपने इकोनॉमिक्स में एवरेज फिक्स कॉस्ट बोला होगा शायद, रहा है ना, क्या वर्ड दिया मैंने उसको, एवरेज फिक्स कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट क्या होना चाहिए. एज अ क्वांटिटी प्रोड्यूस इंक्रीजेस व्हाट शुड हैपन टू द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये फिक्स कॉस्ट क्या है, पर यूनिट है ना, क्या होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, हाँ क्यों डिक्रीज, सेम अमाउंट इफ इट इज स्प्रेड ओवर मोर क्वांटिटी इट शुड कम. बच्चों आई एम नॉट टेलिंग यू कंप्लीट ट्रूथ, ये जो लाइन बोला ना मैंने फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम इट्स इल्यूजन, नहीं समझा, और ट्रूथ है उसके बारे में. धीरे रुकिए जरा, ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चीज नहीं बोला मैंने, मेरे को भी मालूम है तुमने जितना फाउंडेशन का नॉलेज सीखा ना उसके ऊपर, मेरे को मैंने बोला ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम इडियट है, तुमको कुछ नहीं आता है, वहां से मैं चालू करना है मेरे को और तुमको डिसीजन मेकिंग पे लेके जाना है, बहुत टफ टास्क है. सो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, तुमने इतना बेसिक सीखा है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होता रहेगा, डिक्लाइन होता रहेगा. तो वो क्लोजअप का जो एनालिस्ट था उसने ऑब्जर्व कर लिया कि अपना फिक्स कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है, उसको अपने को कम करने का है. द इंसिडेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट वी शुड रिड्यूस सो दैट आवर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज, पर यूनिट पे अपना फिक्स कॉस्ट अगर कम हो गया तो अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑब्वियसली ना यार, तुम्हारा सेलिंग प्राइस सेम है और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो गया तुम्हारा, कम हो गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी, अरे रिस्पॉन्स, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना. तो वो सोच रहे थे हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट, हाउ टू रिड्यूस व्हाट कॉस्ट पर यूनिट, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बंदा है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे रिड्यूस करे फिक्स कॉस्ट का, सिंपल लॉजिक था क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ाना चाहिए. अब क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ाएंगे कहां से, देखो क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व. नो माय ड्राइंग इज नॉट दैट ग्रेट बट इमेजिन, इमेजिन ये क्या है, बैट नहीं है, क्लोजअप का टूथपेस्ट है, करे बैट है बोलता है. इसलिए मैं पहले बोला था, ये क्या है न्यू क्लोजअप. एंड क्लोजअप बिकेम ए नंबर वन ब्रांड. हाँ बोले ये क्या बक रहा है यार आदमी, हाउ मेनी अंडरस्टूड, गुड, एटलीस्ट फ्यू पीपल हैव अंडरस्टूड द गेम दैट द कॉस्ट अकाउंटेंट प्लेड देयर. ही सेड आई वांट टू रिड्यूस माय कॉस्ट पर यूनिट, टू रिड्यूस माय कॉस्ट पर यूनिट द सेम फिक्स कॉस्ट इफ इट गेट स्प्रेड ओवर व्हाट more quantity, my cost per unit will come down. How do we increase the consumption? आज सुबह तुमने टूथपेस्ट यूज किया, डायमीटर बढ़ा दिया, ये डायमीटर अगर 2 mm था, अभी साइज मेरे को मालूम नहीं रहता परफेक्ट कितना रहता है, तो उन्होंने 2 mm का 3 mm किया, ये हाइपोथेटिकल है. आज सुबह टूथपेस्ट यूज किया तुमने, सब लोगों से हाँ नहीं आया साले, तुमने सोचा
जब प्रेशर लगाया मतलब टूथपेस्ट पे, जब आपने प्रेस किया, कितना टूथपेस्ट बाहर आया? मेजर किया तुमने? मेजर किया मैडम? नहीं पक्का? क्यों मेजर नहीं किया? कोई सोचता है कैसे बुद्धिमान? अरे सर जल्दी जल्दी में रहता है, आधे लोग तो ऐसे ही आए होंगे, बिना नहाए बिना ब्रश किए हुए आए होंगे। कंपल्सरी बोलता हूं, क्या हो गया? ये जो टूथपेस्ट था अगर पहले 10 दिन में खत्म हो रहा था, ये टूथपेस्ट पहले 10 दिन में खत्म हो रहा था, तो ये टूथपेस्ट 10 दिन में खत्म हो रहा था, ये टूथपेस्ट तुम्हारा 7 दिन में खत्म होगा। क्यों? तुम उतना ही प्रेशर लगाओगे लेकिन डायमीटर बड़ा है। क्या हो जाएगा? थोड़ा टूथपेस्ट ज्यादा बाहर आएगा। थोड़ा तो ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? डायमीटर बड़ा हो गया। एग्जैक्टली सेम थिंग, इन्होंने डायमीटर बढ़ा दिया, उससे टूथपेस्ट 10 दिन की जगह पे कितने में खत्म होने लग गया? 7 दिन में खत्म होने लग गया। अगर 7 दिन में टूथपेस्ट खत्म होने लग गया, लोग क्या करने लगे? जल्दी जल्दी खरीदने लगे, क्लोजअप के सेल्स, एंड दे बैक्ड इट अप विद द एडवर्टाइजमेंट बाय दीपिका पादुकोण व्हेन शी वाज अ मॉडल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लोजअप का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी लगा दिया, सेल्स भी बढ़ने लग गया लोग, और इन्होंने नंबरिंग चालू कर दिया, हमारा सेल्स इतना बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज रुपीज। किसी को, हर एक को लग रहा था यार कोई तो गड़ा नया टूथपेस्ट है, कोई तो अलग है, कुछ है, न्यू क्लोजअप। एवरीवन वांटेड टू गिव अ ट्राई, नोबडी अंडरस्टूड, इट वाज अ मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट्स गिमिक, ही जस्ट वांटेड टू इंक्रीज हिज सेल्स क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन। देयर इज नो ग्रेट इंग्रेडिएंट चेंजेस, दे जस्ट ब्रॉट अ न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एंड दे जस्ट चेंज्ड द ओवरऑल पैकेजिंग एंड कॉल्ड इट इज अ न्यू क्लोजअप। और क्या हो गया उससे? A massive jump in the sales. क्यों? जो आदमी महीने का 3 बार खरीदता था, वो अभी 10 दिन में खत्म नहीं हो रहा है, जल्दी खत्म हो सकता, ज्यादा depends on your frequency and how many people brush in your home. तो अभी महीने में 4 बार खरीदने लग गया, क्या हो गया? 33% जंप हो गया एक महीने के अंदर। तो तुम्हारा सेल्स 1/3 से भी बढ़ गया, तो और तुम्हारा पुश दे देगा, क्योंकि कस्टमर को लग रहा है कुछ तो है यार इसके अंदर, जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये बाय द टाइम कोलगेट को डिस्कवर दैट दिस इज अ गिमिक एंड ऑल ऑफ दिस क्लोजअप हैड गॉन मच अहेड। कुछ समझा क्या? अ शियर ब्रेन एज टू हाउ डू आई अचीव अ कॉस्ट रिडक्शन। सो आवर फोकस इन कॉस्टिंग इज गोन बी डिसीजंस लाइक दिस, वी आर गोइंग टू एनालाइज आवर कॉस्ट इन डेप्थ। सिलेबस में उतना नहीं है, डरना मत। आपको बोले सिलेबस ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं, ऐसा इमेज देखिए एनालाइज वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है। सिलेबस बहुत प्लेन ड्राई है, उसको हमें क्या करना है? इंटरेस्टिंग करना है। जैसे तुम लोग अभी ड्राई दिख रहे हो मेरे को, तुम लोगों से मेरे को क्या करना है? इंटरेस्ट क्रिएट करना है, पहले तुम्हारा फ्रेंडशिप डेवलप करवा लेना है। फ्रेंडशिप स्टॉप्स देयर, मतलब डेवलप करवाना पड़ेगा ना, रॉ ब्रेन से तुम तो उनको डेवलप करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो सिलेबस के अंदर डिसीजन मेकिंग इज देयर, ह्यूज लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज देयर। बहुत सारे टेक्निक्स है, आपको क्या करना है इनसे? डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करना है। आर यू क्लियर? तो कॉस्टिंग किस चीज बारे में बात करने वाला है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसेट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग में 3 चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। कितने चीजों के ऊपर फोकस करेंगे बच्चों? हम 3 चीजें कॉस्टिंग एज ए सब्जेक्ट के अंदर, टेक्निकली ना एक बुलशिट डेफिनेशन है, कॉस्टिंग कवर्स दिस, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होता है और उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट शुरू होता है। इतने बुकिश थर्ड क्लास लोग होते हैं ना, लाइक आपने फाउंडर 11th स्टैंडर्ड में गलती से अगर बुक पढ़ा होगा, गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो जो सब्सिडरी बुक प्लस आपने जर्नल लेजर, दिस इज बुक कीपिंग, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटेंसी बिगिंस। अरे क्या क्या बकवास, मतलब वो क्या बोलते थे, ट्रायल बैलेंस तक बुक कीपिंग, उसके आगे अकाउंटेंसी। क्या फर्क क्या पड़ता है भाई, कहां बुक कीपिंग एंड हो रहा है कहां अकाउंटेंसी? देखा इंडिया पाकिस्तान है क्या? वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान बिगिंस, ये बॉर्डर है क्या? तो इधर भी ऐसा करते हैं लोग, तो वो तुमको बुकिश थ्योरी थ्योरेटिकल जो थर्ड क्लास आइटम्स है ना, वो मैं आपको एंड में बोलूंगा कि बच्चों ये थर्ड क्लास चीजें पढ़ लेना, 2 मार्क के लिए आएंगी पूरे से, 2 मार्क के लिए भी आते नहीं है। तो ये क्या, तुम पढ़ना चालू करे
कॉस्टिंग वॉज हिस्ट्री दे देंगे कॉस्टिंग का, 18 सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या उसके जमाने में ऐसा होता था, वहां से ये ऐसा ऐसा इवॉल्व हो क्या रहा है, क्या करूं क्या मैं उसका, व्हाट इज द सेंस इन इट। तो कॉस्टिंग के अंदर हमें तीन चीजों के ऊपर फोकस है ब्रॉडली इन सिलेबस, और कुछ चीजें होती है बट जो आपकी सिलेबस में यहां पर नहीं है, लेकिन सीए इंटर के अंदर तीन चीजें या सीए में इंटर के अंदर तीन चीजें कवर्ड है। फर्स्ट थिंग कौन सा चीज, फर्स्ट आपको करना क्या है, कॉस्ट को असर्टन करना है। कॉस्ट असर्टनमेंट, असर्टनमेंट मतलब आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, हम प्राइमरली प्रोड्यूसर का बात करेंगे, गुड्स के प्रोड्यूसर का, ट्रेडर का बात नहीं करेंगे। बिजनेसेस को आप ब्रॉडली तीन केसेस में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडर जो माल खरीद के बेचता है, ट्रेडर, दूसरा है प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके बेचता है, और तीसरा है सर्विस प्रोवाइडर। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या रॉ मटेरियल रहता है, पेशेंट इन प्रोसेस्ड फिनिश प्रोडक्ट, हॉस्पिटल इज अ सर्विस एंटिटी, एकत्व में तुम रॉ मटेरियल ले, तुमको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना के हमने फाइनल में भेज दिया, फिनिश गुड्स नहीं, सो सर्विस एंटिटी है। तो फर्क क्या है, सर्विस एंटिटीज में इन्वेंट्री नहीं रहता है, एकत्व के पास क्या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ देर कैन बी इन्वेंट्री ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक नोट्स और स्टेशनरी, बट दैट इज नॉट अ सब्सटेंशियल चंक ऑफ द कॉस्ट। तो अलग अलग बिजनेस का एनालिसिस करना है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वी आर गोना फोकस ऑन प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर, दैट इज मैन्युफैक्चर, लेकिन यह मत समझना कि हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स का बात करने वाला है, हम किसका बात करने वाला है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एज वेल एज वॉट, सर्विस प्रोवाइडर, सबका साथ सबका विश्वास, क्या मिस्टर मोदी जी विकास, ठीक है मोदी जी के फैन लग रहे तुम लोग। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट असर्टनमेंट करेंगे, ट्रेडर हो तो उसके लिए अलग टेक, सबसे आसान कॉस्ट असर्टन करना किधर है मालूम है, ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर, क्यों, वो परचेस करके बेचता है, वहां पर कॉस्ट का एनालिसिस कंपैरेटिवली बहुत आसान है, आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी इजी, बट इफ यू पुट अप द मैन्युफैक्चरर, टेक एन एग्जांपल टाटा मोटर्स, अलग अलग गाड़ियां बनाता है, ट्रक्स बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, प्रीमियम व्हीकल बनाता है, अलग अलग लोकेशंस पे बनाता है, निकालो कार का कॉस्ट, एक प्लांट के अंदर 10 अलग अलग टाइप की गाड़ियां बनती है यार, तो जो प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है, तुम्हारा कॉस्ट है, वो हर गाड़ी के लिए कैसे चार्ज करोगे, कितना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, अरे भाई लिंक नहीं ना कॉस्ट का, देयर आर सो मेनी कॉस्ट व्हिच यू इनकर नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस कार, ये नेक्सॉन के लिए खर्चा है, ये और टाटा का गाड़ी बोल हैरियर सफारी नेक्सॉन हो गया ना पहले अल्ट्रॉस, तो ये गाड़ी के लिए कुछ कुछ खर्चे हो गए जो स्पेसिफिकली मालूम है, ये गाड़ी के लिए इतना खर्चा किया, ये गाड़ी के लिए इतना खर्चा, बट बहुत सारे खर्चे ऐसे रहेंगे जो कॉमन में इंकर किए, उनको आपको लिंक करना पड़ेगा। सो आवर एंटायर ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लिंक द कॉस्ट टू हुम, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, क्या वर्ड यूज किया मैंने, क्या है ये सब्जेक्ट, कॉस्टिंग, उसके अंदर हमें लर्न करना है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग फॉर विच वी वांट टू मेजर द कॉस्ट, प्रोडक्ट कैन बी योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इफ यू वांट टू मेजर द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इन एकत्व, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड फाउंडेशन इंटर फाइनल कैन बी द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इफ यू वांट टू मेजर द कॉस्ट ऑफ ईच कोर्स separately, no, I want to measure the cost within that 11th account separately, 11th match separately, 11th account match can become your cost object, no, I do not want to measure the cost by 11th, 12th foundation inter, I want to measure the cost by classroom, classroom 1, classroom 2, classroom 3, ye classroom ka cost kitna hai, ye classroom ka cost kitna hai, classroom ka cost matlab purchase price nahi classroom ka operate karne ka cost, ये क्लासरूम में अगर एक घंटा लेक्चर लिया तो कॉस्ट कितना आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा, क्लासरूम का डेप्रिसिएशन आएगा, स्टाफ का सैलरी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, एयर कंडीशनिंग का कॉस्ट आएगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस आएगा, उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट आएगा, समझ रहे तुम, एक ही फिगर को अलग अलग एंगल से एनालाइज करना है। मैं बोलता हूं इधर क्लासरूम में 500 बच्चे हैं, उसमें से मैं बोलता हूं मेल्स फीमेल्स
लेट्स स्टॉप, मेल 300 फीमेल 200, क्या बोला, जेंडर के हिसाब से एनालाइज किया, फिर बोलता नहीं 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 लेट मी एनालाइज लोकलाइट होस्टलाइट, लेट मी एनालाइज फ्रॉम एकत्वम इन फाउंडेशन नॉन एकत्वम इन द फाउंडेशन, लेट मी एनालाइज नो फाउंडेशन पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन पास इन मोर देन वन अटेम्प्ट, क्या कर रहा हूं मैं, एक ही नंबर को मैं अलग अलग एंगल से एनालाइज कर रहा हूं, तुमको कितने अटेम्प्ट लगे वो रिलेवेंट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी अकाउंट्स में बोला सब लोग अच्छे सेम है, जिसको कोई किसी को लग रहा है मैं फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया, दो मिनट रुक, सीए कोर्सेस जूनियर सीनियर कब बनता है, सीनियर जूनियर कब बनता है पता नहीं चलता, मैंने आपको मेरा स्टोरी बोला आपको, कब जाके कौन तुम्हारी बजाएगा ना मालूम नहीं तुमको, तो ज्यादा उछलना मत या ज्यादा रोना भी मत, तो एक ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं अलग अलग एंगल से एनालाइज कर रहा हूं, उसको क्या बोला मैंने, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो कंसेप्ट है, सो आई कैन एनालाइज कॉस्ट ऑफ एकत्वम एट 11 12th फाउंडेशन इंटर फाइनल, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी 11 12th कोर्स कैन बी द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और आई कैन से नो 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 नो, क्लासरूम वन क्लासरूम टू क्लासरूम थ्री क्लासरूम फोर इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, क्या रे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉस्ट, एनीथिंग फॉर विच, क्या बोला मैंने, एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड इज नोन एज व्हाट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का आपको कॉस्ट असर्टन करना है, कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, वो कैसे करना है उसके लिए आपको समझने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगेगा, कॉस्ट असर्टनमेंट ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 1.5 मंथ, 5 मिनट में नहीं, मैं आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रहा हूं क्या है इसके अंदर, कुछ समझा क्या, सो कॉस्ट असर्टन कर लिया उसके क्या करोगे, मेरे पास कॉस्ट है तुम्हारे पास क्या है, हाँ नहीं ना, वो कॉस्ट असर्टन करने के बाद हम कॉस्ट का रिकॉर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हमको एनालाइज करना है कॉस्ट को तो क्या करना पड़ेगा रे बच्चों, कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि भाई पिछले साल इतना कॉस्ट था, पिछले क्वार्टर में इतना कॉस्ट था, इस क्वार्टर में इतना कॉस्ट आ गया, ये रॉ मटेरियल पे इतना खर्च हुआ है, वेजेस पे इतना खर्च हुआ है, इंश्योरेंस पे इतना खर्च हुआ है, रिपेयर्स पे इतना खर्च हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना खर्च हुआ, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड तो रहना चाहिए, हाँ बोले वो अकाउंट्स में था ना रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक अकाउंट्स में तुम जो P&L बनाते हो उसमें तुम्हें प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी समझता है क्या, टाटा मोटर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, नेक्सॉन पे कितना प्रॉफिट कमाया, हैरियर पे कितना कमाया, सफारी पे कितना कमाया, रेंज रोवर पे कितना कमाया, डिस्कवरी पे कितना कमाया, जगवार पे कितना कमाया, टाटा मोटर ही कंट्रोल करता हूं, समझता है क्या P&L से, नहीं क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ किसके लिए है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस किसके लिए है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, लिमिटेड फोकस है, हाउ डू वी रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर, समझा क्या, लेकिन कॉस्टिंग का फोकस इज टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ कंपनी, नहीं बोला क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट असर्टनमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एकत्व का P&L तुमने देखा तो तुमको क्या नहीं मिलेगा, तुमको पहले P&L ही नहीं मिलेगा, बट अगर मिल गया तो तुमको उसमें क्या नहीं मिलेगा, 11th का कॉस्ट क्या है, 12th का कॉस्ट क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर 11th स्टैंडर्ड क्लासरूम, पता चलेगा तुझे P&L से, क्यों नहीं पता चलेगा, कंसोलिडेटेड रहेगा, और जो P&L बनता है तो उसमें ऐसा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता, P&L किसके लिए, एक्सटर्नल यूजर के लिए, व्हाई शुड आई टेल टू द एक्सटर्नल यूजर्स हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग ऑन ईच प्रोडक्ट, हाँ शुड आई टेल, तुम किसी होटल में गए वो तुमको बोलता है कि ये रूम का कॉस्ट इतना है, ये रूम का कॉस्ट इतना है, ये सर्विस का कॉस्ट इतना है, वो बोलता है तुमको, तुमको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल भी गया तो भी उसे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं समझेगा, तुमको जो इमेजिनेशन करना है तुम करो, तुमको तुमको कैलकुलेट करना है मैं कितना पैसा कमा, तो करते बैठो, तुम क्या सोचते हो उससे मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कस्टमर्स जो है वो तुम्हारा एनालिसिस करते रहेंगे, करने दो ना,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के हर एक को लगा हाँ इतना इतना प्रॉफिट कमाया होगा उसने इस प्रोडक्ट पे इतना इधर, लोग इमेजिनेशन करेंगे लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी ये किधर रहेगा, किधर रहेगा और किसके पास रहेगा? इंटरनल यूजर्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड ऑन, वो आपको मिलेगा किधर? वेबसाइट पे. वो कभी भी कंपनी खुद होके नहीं बोलेगा ये प्रोडक्ट पे हमने इतना इतना प्रॉफिट कमाया. लोग अपने एनालिस्ट है वो अपने हिसाब से दिमाग लगाते रहेंगे, इस डिवीजन पे इतना कमा रहा होगा, इतना ये कमा रहा होगा. कुछ कुछ चीजें लॉ ने मैंडेटरी किए डिस्क्लोज करना, बट इट्स अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा नहीं दिखेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आपको याद होगा अकाउंट के लेक्चर में मैंने एक वर्ड यूज किया था, बिजनेस सेगमेंट. क्या वर्ड यूज किया था? अगर आप अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहे हो या अलग अलग टाइप के आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, सारे प्रोडक्ट्स को मिला के आप एक क्या कर सकते हो? सेगमेंट दिखा सकते हो. क्या वर्ड यूज किया मैंने? बिजनेस. कैन आई गिव वन एग्जांपल? दो मिनट में समझ आएगा. तो दरवाजा बंद कर रहे, भारत पब्लिक बहुत डिस्टर्ब करता है, वो ऐसे कुंडी लगा ले. खतरनाक एग्जांपल, दो मिनट में समझ में आएगा. एक वर्ड आपने बीसीके में शायद गलती से पढ़ा होगा. बीसीके पढ़ा ना क्या? कितने लोगों ने पढ़ा था बीसीके? तहे दिल से पढ़ा था, अंडरस्टैंड करने के हिसाब से. एमसीक्यू था, तुमने थोड़े तुक्के लगाए होंगे. कॉन्ग्लोमरेट. क्या वर्ड यूज किया मैंने? अ बिजनेस विच हैज अ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इज अ कॉन्ग्लोमरेट. लेट मी गिव एन एग्जांपल. रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस क्या करता है? रिलायंस इज अ कॉन्ग्लोमरेट. अलग अलग टाइप के बिजनेसेस है यार उसके. क्या क्या बिजनेस करता है रिलायंस? पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, फिर टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है जियो. रिलायंस रिटेल है, अलग अलग रिटेल के स्टोर्स है उनके, क्लोथिंग वगैरह सब है ना, वो रिलायंस रिटेल में आ गया. तो ब्रॉडली कितने डिविजन्स है? पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल. ये तीन अलग अलग लेवल के क्या है आपके बिजनेसेस है, हाँ ना? किसके? रिलायंस के. तुम रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस खोलोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हर एक बिजनेस का अलग से सेल्स एक्सपेंसेस नहीं दिखेगा. लेकिन इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट में नोट्स टू अकाउंट्स कंसोलिडेटेड नहीं. राजा जरा चुप बैठ, दो मिनट सुन ले. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल फिगर प्रॉफिट का दिखेगा, टोटल सेल्स दिखेगा, टोटल परचेज दिखेगा. मेरे को टोटल नहीं चाहिए, धंधा बाय धंधा. पेट्रोकेमिकल्स का कितना सेल्स है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, उसमें कितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया है, जियो में कितना इन्वेस्ट किया है, फिर अपना रिटेल वाले में कितना इन्वेस्ट किया. ये नोट्स टू अकाउंट. नोट्स अकाउंट उतना तो समझता है कि नहीं रे? उसमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता. क्यों देना पड़ता? क्योंकि जो एक्सटर्नल यूजर्स के उनको थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए. लेकिन जियो का डिटेल्ड प्लान बाय प्लान प्रॉफिटेबिलिटी. जियो के अलग अलग प्लान रहेंगे, प्रीपेड प्लान, पोस्टपेड प्लान, ब्रॉडबैंड का प्लान रहेगा, ब्रॉडबैंड विद टीवी कनेक्शन अलग प्लान रहेगा, ब्रॉडबैंड बिजनेस के लिए लीज लाइन रहता है. जियो के, जियो मतलब क्या? एक प्रोडक्ट. जियो इज अ कंपनी, उसके अलग अलग प्रोडक्ट है. प्रीपेड हो गया, पोस्टपेड हो गया, पोस्टपेड के अंदर वैरायटी आएगा, प्रीपेड के अंदर वैरायटी आएगा बहुत सारा. फिर ब्रॉडबैंड हो गया, उसके अंदर अलग अलग स्पीड के प्रोडक्ट है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के प्रोडक्ट है. ऑप्टिक फाइबर वाला अलग है. लीज लाइन चाहिए, लीज लाइन समझते तुमको? लीज लाइन का प्रोडक्ट अलग है. कॉल सेंटर के लिए प्रोडक्ट अलग रहते हैं जियो के. ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी जियो का तुमको किधर भी नहीं मिलेगा. एज अ एक्सटर्नल यूजर किधर मिलेगा तुमको ये? अगर तुम रिलायंस में जाके जॉब करने लगे, नौकरी करने लग गया तो मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू आर एट अ सीनियर लेवल. नहीं तो तुम जाएगा, सर मैं चपरासी को जाके पूछ के हो गया. अरे समझा गया क्या बोला मैंने? कि कॉस्टिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट बाय अप कॉस्ट असर्टेनमेंट किसका करने का? प्रोडक्ट का करने का है. क्यों? सेलिंग प्राइस किसका फिक्स करते तुम? यार रिस्पॉन्सिव नहीं है यार तुम लोग. मैंने क्या बोला अकाउंट्स में? मेरे को बॉन्डिंग चाहिए यार, दिमाग. यहां पे ठल्ले बन के नहीं बैठना है, सिर्फ मनमोहन सिंह मोड पे साले सब. ड्यू रिस्पेक्ट टू मनमोहन सिंह जी. कुछ मालूम नहीं, कुछ आता नहीं, तो भी बोलना चाहिए बहुत सारा. अमित शाह मोड पे चाहिए सारे सारे लोग.
कांग्रेस सपोर्टर बीजेपी सपोर्टर बोथ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई वांट टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. आई डू इन एंटायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस इज नॉट एट ऑल ऑन प्रोडक्ट. द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस इज ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, तो आप नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ सेगमेंट का टोटल सेल्स. आई डिड नॉट से प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. सेगमेंट का क्या करोगे आप? टोटल सेल्स दिखाओगे. सेगमेंट का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके टर्म में आएगा सारा सी. वही तो बोलो, चार पांच लेक्चर मेरे को मिनिमम जाएगा तुम्हारे दिमाग में क्या करने के लिए, लॉजिक डेवलप करने के लिए. ये लेक्चर लिए बगैर भी मैं सिखा सकता तुमको चाहिए तो. डेफिनेशन, शॉर्ट नोट, ऐसा हम कॉस्ट शीट बनाते हैं. ये मेरा लॉजिक सब कुछ रखना करेगा, कॉस्ट शीट चीज रहता है. बहुत सारे लोग डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर में कॉस्ट शीट पे आएंगे. मेरे को चार पांच लेक्चर, मैं बोल नहीं सकता, कुछ बैच में दो लेक्चर में समझ लेंगे, कुछ बच्चे चार पांच, दो तो बहुत मुश्किल है, चार पांच के नीचे कोई बच्चा समझता नहीं है. बट प्रॉब्लम यही है, तुमको ये सुनने का आदत डालना पड़ेगा. अगर मैं ये डिस्कशन कट ऑफ कर दूं ना, मैं बोलता हूं तभी भी पास हो सकता है, क्योंकि फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का. मेरे को फॉर्मेट रट्टा नहीं मारवा के लेना है तुमसे, मेरे को ये लॉजिक डेवलप करना है कॉस्ट सब्जेक्ट की. बहुत सारे टर्म्स है, आई एम जस्ट, मैं प्रॉफिट को तुमको इतने अलग अलग एंगल से एनालाइज करूंगा, और चैप्टर के एंड में जाकर मैं तुमको एक्चुअल, तुम मुझे कंपनी बोलो, उसका एनालिसिस तुम्हारे सामने करके दिखाएगा. कोई भी कंपनी, रैंडम कंपनी बोलो, मेरे पास सब पेड पैकेजेस वगैरह सब कुछ है. यू कैन, यू विल बी इन अ पोजीशन टू एनालाइज. ऑब्वियसली हम एक्सटर्नल इन्वेस्टर करके एनालाइज करेंगे, हमारे पास उतना डेटा नहीं रहेगा जितना इंटरनल यूजर्स के पास रहेगा. ऑब्वियसली वो तो लिमिटेशन है ही, बट एटलीस्ट तुम्हारा विजन तो क्रिएट होगा कि आप यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रोल्स. A role as an external person and the role as a internal person is dramatically different, and you have to play multiple roles in your life. When you go as an auditor next year, you are looking from an external investor's point of view. But when you go in a business and try to doing a business, you have to start thinking from what? Decision making point of view. So, agar mujhe decision lena hai, to mere ko तीन बेसिक चीजें. कॉस्ट को असर्टन करना है, किसके लिए असर्टन करना है. मैंने प्रोडक्ट वर्ड पर्पसफुली यूज नहीं किया, मैंने वर्ड क्या यूज किया, फैंसी वर्ड यूज किया मैंने, कॉस्ट ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैं अगर प्रोडक्ट बोला होता ना, तुम्हारा विजन नहीं चला होता इन केस ऑफ एकतम, क्योंकि आपको एकतम के केस में प्रोडक्ट क्या है वही नहीं समझता. हॉस्पिटल में प्रोडक्ट क्या है? हॉस्पिटल प्रोडक्ट क्या है? सर्विस. तो हॉस्पिटल के अंदर नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी अलग प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट नहीं बोलने का अच्छा नहीं लगता ना. डॉक्टर, तुम्हारा मम्मी पापा डॉक्टर है, पप्पा विच प्रोडक्ट यू सेल इन अदर हॉस्पिटल, ना तुम्हारा नी उधर रिप्लेस किया पप्पा ने, क्यों डिमीनिंग लगता है ना यार. तो हम फैन अच्छा वर्ड यूज करते हैं. क्या वर्ड यूज किया? कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप के सर्जरीज करते हैं, अलग अलग टाइप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तुमको आईसीयू में डालते हैं, तुमको जनरल वार्ड में डालते हैं, तुमको स्पेशल वार्ड में डालते हैं. कॉस्ट अलग अलग है. आईसीयू में डाला तो उधर एयर कंडीशनिंग है, बाकी वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहता है पूरा. स्पेशल वार्ड में डाला तो सर सिर्फ बेड है या थोड़ा बहुत सिस्टम रहेगा. जनरल वार्ड में चल एक बेड दे दिया तेरे को, बाजू बाजू बहुत सारे लोग है. अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना, कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंजेस. सो हॉस्पिटल शुड बी एबल टू से, अगर जनरल वार्ड में तेरे को एडमिशन चाहिए तो रेट इतना है, स्पेशल रूम चाहिए तो रेट इतना है, उस स्पेशल रूम के भी टाइप्स हो सकते हैं, आईसीयू गया तो रेट इतना है. अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा. अगर तुम एज अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर तुम एनालिसिस कर रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू असर्टन द कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तुम्हारा काम क्या है? तुमको वो लोग पैसा क्यों देगा? एक सीक्रेट बोलता हूं, इफ यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गो इन दिस डिसीजन मेकिंग रोल, यू विल बी एबल टू अर्न मच मोर एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ट्रस्ट माई वर्ड्स, अ लॉट ऑफ जॉब दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज इन टिपिकल अकाउंटिंग or taxation or compliance at a low level is going to be wiped out in next 3 to 4 years by technology. जो तुम्हारा normal accounting के entries pass करने का काम है, या GST के reconciliation, या bank reconciliations हो गए, या basic basic काम है, वो बहुत सारे काम क्या होने वाले हैं? Eliminate होने वाले हैं. बहुत सारे large companies में BRH का जरूरत ही नहीं पड़ता. आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ,
क्यों? सॉफ्टवेयर ने पूरा का पूरा ऑटोमेशन करके रखा है, कभी ट्रांजैक्शन आता ही नहीं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. क्यों? मेजोरिटी ट्रांजैक्शन आर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कस्टमर से हम इंटरेक्ट ही नहीं करते, कस्टमर से हम इंटरेक्ट ही नहीं करते. तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है. एयरलाइन के अंदर सारे के सारे एयरलाइन के टिकट ऑनलाइन बुक होते, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कंसेप्ट नहीं है. पेमेंट सारे के सारे ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, हम एनईएफटी का फाइल करना है, एक्सेल शीट बनाते हैं, अपलोड करते हैं, पैकेज के अंदर क्लिक करते हैं, पेमेंट गया सबके अकाउंट में, चेक यूज ही नहीं करते. तो बीआरएस आएगा कहां से? बैंक स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन है ऑटोमेटिकली तुम्हारे ईआरपी पैकेज के अंदर आता है. हम बोलेंगे हैं, हाँ, बैंक का जो पीडीएफ का स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली क्या करना है, एक क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंटिंग पैकेज में सारा सारा बैंक का नरेशन के साथ आ जाता है, और तुम्हारे अकाउंटिंग सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन रिकंसिलिएशन करता है सॉफ्टवेयर. फिर आप बोले सर हमको क्यों सिखाया? मैं क्या करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट है. छोटे लेवल के बिजनेसेस में ये रहता है, चलो छोटे लेवल के बिजनेस आज भी चेक या फिजिकल ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट बहुत सारा चीज सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू यूज चैट जीपीटी हियर? हाउ मेनी यूज चैट जीपीटी? देखो कितने कम लोग हैं, ऑनलाइन तो मालूम ही नहीं मुझे कुछ. इंस्टाग्राम से भी ज्यादा पॉपुलर है, इंस्टाग्राम से भी ज्यादा फास्ट ग्रो हुआ है. बोलोगे हैं ये कौन सी चीज है, कौन से इमेजेस शेयर करने सर? उधर पे बोलो हम कल ही अकाउंट खोल लेते. ये इमेजेस या सोशल मीडिया ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, ये है सिर्फ इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू आस्क अ क्वेश्चन टू इट, इट विल एनालाइज द डेटा, इट विल गिव यू आंसर्स. बहुत सारे आंसर्स गलत भी देता है, इट इज नॉट दी ग्रेट, बट it will remove lot of repetitive jobs. Over the years, artificial intelligence, AI will take over lot of activities you don't even know. Mark my words, you have to be in an era of analytical skills. You are going to be at a lower level. Please drop out of the CA course if your aim is just to remain at what? Accounting or just a basic tax accountant. आप दिमाग में जो अगर आप कहें ना CA return file करता है या CA basic audit करता है या CA accounting करता है और वो जॉब आपको दिमाग में, प्लीज डू नॉट डू सीए कोर्स, डू सम बिजनेस और समथिंग एल्स, बिकॉज़ दीस जॉब्स विल नॉट रिमेन, और इवन इफ दे रिमेन दे विल पे यू लोअर देन व्हाट प्लंबर अर्न्स, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स डू नॉट. मैं बोल बोल के पागल हो चुका हूं, लोगों को समझता ही नहीं है. मैं तुमको फाउंडेशन में यही बोला होगा, इंटर में भी 10,000 बार बोलूंगा तुमको, ये लोग समझता ही नहीं. एनालिटिकल चीज में ड्राइव आउट ही नहीं होता, बिकॉज चलो स्टूडेंट फेज में मैं मानता हूं कि उतना आपको एक्सपोजर नहीं है, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप एटलीस्ट एस्पायर तो कर सकते हो उस हिसाब से थिंकिंग डेवलप करना, क्योंकि थिंकिंग ऐसी चीज नहीं है जो ओवरनाइट डेवलप कर सकते हो आप, कभी भी नहीं हो सकता ओवरनाइट डेवलप. बच्चा सुनता ही नहीं है. आप ये चीज एनालिटिक्स है ना, मैं आपको तुम मेरे को सिर्फ 8-10 दिन ऑब्जर्व करो, तुम 8-10 दिन के अंदर बिजनेस का एनालिसिस का दिमाग तुम्हारा देखो कितना चेंज होगा. इतने अलग अलग एंगल से मैं आपको कॉस्ट प्रेजेंट करूंगा, कम से कम 10-15 एंगल में प्रेजेंट करूंगा, और ये सारा चीज अल्टीमेटली आता क्या मालूम है, एक फॉर्मेट है इन सब का. जैसे हम P&L अकाउंट बना देना टी फॉर्म में, ऐसे हम इधर कॉस्ट शीट बनाएंगे, वो सिर्फ टी फॉर्म में नहीं बनेगा. टी फॉर्म ऐसा था हमारा, इनकम्स एक्सपेंसेस, हम उसको ऐसा करेंगे, एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट. चालू कर देता हूं मैं पहले लेक्चर में बच्चा, चलो ये देखो प्रॉफिट स्टेटमेंट, एक बार स्टेटमेंट लिखवा लिया, दो बार लिखवा लिया, हर रोज आकर सुबह तुमसे मैं क्या करता हूं, बोलवा लेता हूं. जैसे आपने स्कूल में से जनगण मन या और जो भी आपके स्कूल का कुछ एंथम या प्रेयर रहेगा तो याद रखा होगा आपने, भारत माता देश, मेरे को भी याद नहीं, अभी आगे क्या इंडिया इज माई कंट्री वगैरह ऐसा था ना कुछ, तो मेरे को नहीं याद है. क्यों कटवाया था यार, भारत मेरा देश है, हर रोज स्कूल में बोलने की वजह से पैट्रियटिज्म नहीं क्रिएट होता है, उससे लोग अच्छे नहीं बनते. अगर वो होता था तो पूरा देश अच्छा होना चाहिए था, इस देश में कोई रेप नहीं करना चाहिए था, इस देश में कोई चोरी नहीं करना चाहिए था, सबने वो प्रेयर लिया ना, क्योंकि तुमने वैल्यू सिस्टम ही नहीं क्रिएट किया. ऐसे बोलने से वैल्यू सिस्टम नहीं होता है. अपने कभी उसका कभी सिखाया तुमको? हमारे स्कूल में वो पसाय दान करके था, ज्ञानेश्वर जी ने मराठी मीडियम में तो लिखा था, बहुत सारे स्कूल पे रहेगा. उसका मीनिंग कभी टीचर ने समझाया नहीं यार, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से पसाय दान, अरे वो कैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे को समझेगा यार, आप उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में
मैं कॉस्टिंग का लेक्चर देने चालू करूं मेरे डॉक्टर के घर पे गए, अर्चना लुक कम हियर कॉस्ट असर्टेनमेंट, यू नो ये घर के अंदर की जो चीजें ऑब्जेक्ट है, अरे उसको उसके एज में उसकी चीज की बात करो ना यार। अब तुम ग्रो अप हो चुके हो, यू आर ग्रोन अप गाइज, 18 ईयर ओल्ड राइट, सो यू हैव टू थिंक अबाउट अ बिजनेस। तुम्हारे दिमाग में तू मारवाड़ी है या नहीं है, मारवाड़ी जैसा दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा, विद आई रिस्पेक्ट मारवाड़ीज, टिपिकल बिजनेसमैन रहता है, बिजनेसमैन जो उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता लेकिन वो यूज करते रहता है, वो दिमाग चाहिए और वो दिमाग कॉस्टिंग में डेवलप होगा। अकाउंटिंग वाला जो लोअर लेवल का अकाउंटिंग का काम है, सारा का सारा ऑटोमेट हो चुका है, सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर, और वो सॉफ्टवेयर तुमको रखेगा भी नहीं और तुम्हारे ज्यादा स्पीड से काम करेगा। मैं एक YouTube वीडियो बना के डालेगा इसके ऊपर, एक म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन, तुम्हारे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन दे दो मेरे को तुम, मैं 4 मिनट में उसका सारे का अकाउंटिंग कर लेगा। 1000 ट्रांजेक्शन दो, 5000 दो, 5 लाख दो मेरे को, 5 लाख ट्रांजेक्शन, मैं 5 लाख ट्रांजेक्शन तुमको 4 मिनट के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर परफेक्ट रिपोर्ट निकाल के बना के दे दूंगा तुमको। अब लगे कैसे, लेकिन ये सीधे कोर्स में टेक्निक सीखी है नहीं तुम, मैं एक टेक्निक के ऊपर वीडियो बना के तुमको देगा। यूट्यूब का चैनल अपना सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और क्या क्या रहता है उसमें, जो भी रहता है वो करना, क्या बेल आइकन दबाने का रहता है, बेल आइकन दबाने का उधर तुम्हारा विजन, तुम पागल हो जाएगा। कितने लोगों के माँ बाप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, माँ बाप या तुम लोग, मैं तुम लोगों को बुलाया था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कितने लोग करता है, तुमको वीडियो देगा मैं आज, एक्सप्लोर करना, आज मैं नहीं बनाऊंगा, कल बनाऊंगा शायद, दे दूंगा तुमको। तुम रिटर्न कैलकुलेट करके तुम्हारे बाप को दिखाओगे ना, तुम्हारा बाप भी पागल हो जाएगा। क्यों बोलेगा, अरे बच्चा कर गया, तुम्हारा बाप तुमसे अगले दिन से रिस्पेक्ट से बात करना चालू करेगा। यू विल नोटिस अ चेंज, नॉट एवरी डे, आई कैनॉट प्रॉमिस एवरी डे, एटलीस्ट दैट पर्टिकुलर डे आई गिव यू एंटायर प्रोसेस। सिर्फ आपको क्या लगेगा, उनसे उनका ईमेल आईडी पे एक स्टेटमेंट आएगा, उनके ईमेल आईडी पे, अगर उनका रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, वो स्टेटमेंट आपको लेके आपको खुद करना है, मेरे को कुछ नहीं देना है आपको। आई विल नॉट स्पून फीड यू, आई विल मेक श्योर दैट यू डू थिंग्स ऑन योर ओन, आई जस्ट गाइड यू, ये ऐसे ऐसे करना है, उसमें जो भी ठोकरे खाना या करना है वो तुमको गलत करना है करो, तुम करो, लेकिन उसका जो तुमको जॉय मिलेगा ना, वो जॉय तुमको बाकी कुछ भी चीज करके नहीं मिलेगा इस उम्र में, यू विल गो मैड। सो वही तो बोल रहा, अकाउंटिंग का जो काम है ना वो सॉफ्टवेयर है उसके लिए। अब मैं आपको ऐसे एक सॉफ्टवेयर दिख रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एआई के सॉफ्टवेयर है, जो पीडीएफ स्टेटमेंट दे दिया, एक्सेल शीट दे दिया, उसको एनालाइज करके डायरेक्ट क्या करता है, अकाउंटिंग कर लेता है, फिर तुम क्या करोगे, एनालिसिस। सॉफ्टवेयर कभी भी उतना परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर पाएगा जितना ह्यूमन बींग कर पाएगा। वो जो ये टेक्निक था, ये ह्यूमन बींग ही सोच सकता है, क्लोजअप टू न्यू क्लोजअप, ये सॉफ्टवेयर कभी नहीं सोच पाएगा, सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, उसको गार्बेज इन गार्बेज आउट है, वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं कर पाएगा सॉफ्टवेयर। बट तुम्हारा दिमाग अलग अलग तरीके से चलेगा एनालिटिकल, तुमको मैं लिटरली बोल रहा हूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या अपने कॉस्टिंग का, कॉस्ट को असर्टन करने का है, सिलेबस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा चीज ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट का असर्टनमेंट, कॉस्ट असर्टन करने का मैंने क्या बोला, मेरे पास कॉस्ट है, तुम्हारे पास क्या है, कॉस्ट असर्टन किया, तो तुमको कॉस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ओवर द ईयर्स मेरा कॉस्ट का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो क्या रहा है कॉस्ट के साथ, वो तो समझना चाहिए कि नहीं। तुम क्या करेंगे, कॉस्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना, अपना इंस्टीट्यूट, इसको कॉस्टिंग बोलता है, इसको क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, वेयर कॉस्टिंग एंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग बिगिंस। इतना मारने का मन करता है ना मेरे को, मालूम है क्या, ऐसे घटिया घटिया चीज वो 21st सेंचुरी में क्यों सिखा रहा है, अरे 2023 में सिखा रहा है यार। तुम तुम्हारा दादाजी अगर सही कर रहा होगा ना, दादाजी को जाके पूछ के देखो, दादाजी तुमने कॉस्टिंग में पहले ये सिखा रहा है, दादाजी यहां बोलेगा 1960s में जो सिलेबस था वही अब 1949 आईसीए जब फॉर्म हुआ था तब से दिमाग। आज बेटा उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में एक्सेल नहीं था, उस जमाने में एआई नहीं था, उस जमाने में मशीन्स नहीं थे, उस जमाने में बेसिक कैलकुलेटर था। वो तो दिमाग चाहिए मेरे को, लेकिन उससे आपको बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जमाना बदल चुका है। उस जमाने में बिजनेसेस ज्योग्राफिकली वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नहीं थे, करेंसी के फ्लक्चुएशंस नहीं थे इतने सारे, लिमिटेड बिजनेसेस थे, लिमिटेड ज्योग्राफीज में बिजनेसेस काम करते थे। अब दुनिया बहुत बहुत ज्यादा बदल चुकी, तो आपका माइंड भी उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए।
चलो ठीक है, कॉस्ट को हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, सो दैट हम रेफरेंस के लिए रखेंगे उसको एनालाइज करने के लिए. क्यों कर रहे हैं कॉस्ट का रिकॉर्डिंग हम, कॉस्ट का असर्टेनमेंट क्यों कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करने का है. अब डिसीजन मेकिंग बहुत सारा टाइप का हो सकता है, हम प्राइमरली अपना फोकस है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. क्या बोला मैंने, अपना फोकस किस चीज पे बच्चों, कॉस्ट कंट्रोल पे है और कॉस्ट रिडक्शन पे है. तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलेंगे इसको. टिंग हो गया ना अभी, टेंसी, कुछ भी कोई लॉजिक नहीं है ऐसे ही. तो ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी. कॉस्ट अकाउंटेंसी एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू डिसीजन मेकिंग. हम डिसीजन लेंगे कॉस्ट कैसे कंट्रोल करने का, कॉस्ट का रिडक्शन कैसे करने का, उसका मतलब बोलता हूं. तो ये क्या है बच्चों, कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट है. ओके, टेंसी में सिर्फ ये दो चीजें नहीं थी और बहुत सारी चीजें, ये अपने सिलेबस में जो है उत्तम है बोल रहा है, और बहुत सारी चीजें, कॉस्ट का एनालिसिस करना होता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, डिसीजन मेकिंग. सो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज बेसिकली व्हाट, डिसीजन मेकिंग. बट डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन जनरेट करने का काम किसका है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्टिंग विल जस्ट असर्टेन द कॉस्ट, टिंग विल रिकॉर्ड इट एंड विल जनरेट अ रिपोर्ट एंड विल गिव अ रिपोर्ट टू यू एंड देन यू स्टार्ट डूइंग व्हाट, एनालिसिस. वो छोड़ दो, वो क्वेश्चन विद ड्यू रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता भी नहीं इसके ऊपर, मतलब पिछले 20 साल में नहीं पूछा, बट बुक में देते हैं. तो ये चीज पहले मैं बोल रहा हूं, बुक में बहुत सारी चीजें दी रहेंगी, हर चीज को पढ़ना जरूरी नहीं होता है. लाइक बुक में ये भी लिखा है, एम्प्लॉई का एम्प्लॉई कॉस्ट है, तो एम्प्लॉई फैक्ट्री में आता कैसे है, उसका इन टाइम आउट टाइम रिकॉर्ड करने के मेथड्स, फैक्ट्री में कब आया, फैक्ट्री में कब गया, उसका इन टाइम और आउट टाइम रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग मेथड ढूंढे अपने इंस्टीट्यूट ने. कॉस्टिंग से लिंक है उसका, और वो मेथड्स में एक मेथड ऐसा है, मेटल डिस्क टोकन मेथड. हर एक एम्प्लॉय के नाम का हम एक मेटल डिस्क बनाएंगे, उधर बॉक्स में रखेंगे. वो एम्प्लॉय आने के बाद हर एक एम्प्लॉय ने अपना टोकन ढूंढने का, उधर से उठाने का बॉक्स में से, दूसरे बॉक्स में डालने का. तो जब तुम्हारा फैक्ट्री का टाइम लेट से 9:30 है, पहले एक बॉक्स में सारे टोकन से उठा लिए हमने, जो जो एम्प्लॉय आ गया उसने दूसरे बॉक्स में डाल दिए, जो टोकन बचे वो एम्प्लॉय एब्सेंट है. अरे भाई बायोमेट्रिक आ गया है, फेस रिकग्निशन आ गया है, वर्क फ्रॉम होम है 2023. क्यों, ये मॉड्यूल हमने दादाजी के टाइम पे लिखा था, अपडेट कर रहे हैं, नया सिलेबस आ रहा है ना, न्यू सिलेबस ऐसे. तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बहुत सारा बकवास कचरा भी भरा हुआ है, वो कचरे को क्या करना है, साफ करना नहीं है, कचरे को साइड ही करना है, देखना ही नहीं कचरे, साफ काय को करने का, गंदे के हाथ, हाथ क्यों गंदे करने का अपने, गंदे के करने का. तो बहुत सारा चीज जो है ना सिलेबस में बहुत कचरा है, बहुत बहुत कचरा है, देखेंगे भी नहीं हम. तो कुछ कुछ चीजों में आपको ये फ्रीडम लेना, अगर क्योंकि वो पढ़ने गए ना तुम ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना. मैं मतलब कॉस्टिंग के अंदर मैं तुमको हिस्ट्री दे रहा हूं, वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक कॉस्टिंग कैसे वाला, क्यों पढ़ने गए. सो कुछ कुछ चीजें है सिलेबस के अंदर जो इंस्टीट्यूट पूछता भी नहीं, देने के लिए दे दिए हम, सिर्फ हम, मैं आपको नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं मैम, क्योंकि ना तुम सारा मॉड्यूल देखेगा और बोलेगा सर तुमने सिखाया नहीं, पैसा पूरा लिया और सिखाया नहीं तुमने पूरा, क्या सिखाऊं कॉस्टिंग का टाइम ऐसे मेंटेन करने का, ये सिखाऊं तुमको, इतना बकवास थ्योरी रखा है. तो मैं आपको हर चैप्टर में जाके या कभी कभी बोलूंगा, या नहीं बोला तो भी आज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये ऐसा ऐसा कचरा है जिसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा कचरा लिखा हुआ है, कुछ कर नहीं सकते उस कचरे को, नहीं निकल सकते सिलेबस से. तो ये चीज बढ़िया है. क्या क्या हमने पहले कॉस्ट असर्टन किया, अभी कॉस्ट असर्टन करने के टेक्निक्स है, मटेरियल कॉस्ट के लिए अलग, लेबर कॉस्ट के लिए अलग, ओवरहेड्स है अलग अलग, अलग अलग टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स आप सीखोगे, बहुत सारा टेक्निक सीखेगा तुम. मैं टेक्निक अभी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि टेक्निक सिखाने के लिए मेरे को 1.5 महीना जाएगा, मतलब कॉस्ट असर्टेनमेंट ओवरहेड जब चैप्टर खत्म होगा तब जाएगा, 1.5 महीना आराम से, 15 मार्च 20 मार्च कुछ तो लगेगा मेरे को, उससे ज्यादा मार्च एंड. कॉस्ट का असर्टन किया, फिर हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्रीज करेंगे हम, जर्नल लेजर बनाएंगे, रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर से था. मैं आपको ईआरपी पैकेज भी, फ्री वाला ईआरपी पैकेज बोलूंगा, आपको लगे तो उसका डेवलपर जो है मेरा दोस्त है, स्टूडेंट ही, मतलब पहले फाउंडेशन पास होता है, इंटर पास हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, सीए छोड़ने को बोला, छोड़ दिया, क्यों,
ही हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड. सागर वोरा करके बंदा है, अहमदाबाद में रहता है, अलग माइंड का था उसको. ईआरपी पैकेज, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कोडिंग, अलग टाइप में इंटरेस्ट था. सीए गलती से आ गया था, अभी क्या हो गया, लो छोड़ दे बिंदास. क्यों? इफ यू आर नॉट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट. नर देयर इज नो फोर्स. अगर आपको कभी हेट्रेड डेवलप हुआ या कुछ हुआ या आपका, लेकिन ये छोड़ने के पहले आपके पास दूसरा चीज होना चाहिए. हाँ, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ने के पहले दूसरा पटा लेना चाहिए 5 साल के बाद मिनिमम. तो आपके पास दूसरा कोई स्किल नहीं है, आपको दूसरा कुछ नहीं आता है, नहीं कर जक मार के. उसके पास दूसरा स्किल्स था, उसको दूसरा कुछ करने की कैपेबिलिटी थी, तो उसने ईआरपी पैकेज डेवलप कर लिया. उसके साथ ओपन सोर्स ईआरपी पैकेज है, बहुत सारे ईआरपी पैकेजेस है. मैं आपको ये सारा कॉस्टिंग का चीज है ना, ईआरपी इसको अल्टीमेटली आपको गैदर करना पड़ेगा. किसके अंदर? सॉफ्टवेयर के अंदर. ये सारा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर मटेरियल बाय मटेरियल. मेरे पास 4000 अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स है. 4000 मटेरियल में से कितना मटेरियल का स्टॉक कितना है, क्या कॉस्ट पे प्रोक्योर किया, कौन से लोकेशन पे है, कौन से सप्लायर से प्रोक्योर किया, कब यूज होने वाला है, कितने दिन में वो ऑब्सोलीट होने वाला है, कितने दिन का इन्वेंटरी है, मेरा एवरेज कंजम्पशन क्या होता है, मेरा प्राइस लेवल जो प्रोक्योर किया वो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है ऊपर है. जस्ट मैंने फ्यू क्वेश्चन पूछे मटेरियल के बारे में. ये सारे क्वेश्चन आपको सॉफ्टवेयर ने क्या करने चाहिए, आंसर करने चाहिए. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है, बट उसको जो डेवलप करने के लिए ब्रेन चाहिए, मटेरियल कॉस्ट का एनालाइज करने के लिए, सारा का सारा ब्रेन आपके सिलेबस में, सारा का सारा ब्रेन है. टेक्निक्स है कुछ, उसके साथ आउटडेटेड टेक्निक्स भी मिलेगा. मैं आपको पहले ही वॉर्न करके रख रहा हूं, कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो मैं सिखाऊंगा जो क्या है, पूरे के पूरे आउटडेटेड है, आउटडेटेड है. बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने डिलीट की है, लेकिन कुछ चीजें ईगो की वजह से रहती है. वहां पर जो लोग सिलेबस बनाते हैं, ईगो अहम बहुत रहता है, तो है कुछ चीजें. तो इट्स ओके. तो मैंने कॉस्ट असर्टन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया. अब मुझे क्या करना है? कॉस्ट कंट्रोल करना है. दोनों वर्ड तुमको थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, करे कौन से दोनों वर्ड? कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट? कॉस्ट रिडक्शन. सिमिलर लग रहा है किसी को? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? तुमने पहले बजट सेट किया होगा. क्या सेट किया होगा तुमने? बजट. और उस बजट के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट उतना ही इंकर हो रहा है क्या, वो इंश्योर करना इज अ कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल मतलब ट्राइंग टू इंश्योर दैट एक्चुअल कॉस्ट दैट यू हैव इंकर्ड इन कैरिंग आउट प्रोडक्शन इज विद इन बजेटरी फ्रेमवर्क. बजट समझता है ना रे? कंट्रोल मतलब क्या? एक लिमिट के बाहर खर्च नहीं करने का, बट पहले लिमिट तो सेट कर. वो लिमिट क्या है? बजट. बट दिक्कत ये आता है, जो कॉस्ट, जो बजट हमने सेट किया था उसका क्वांटिटी और जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया उसका क्वांटिटी अलग अलग रह सकता है. मैंने बजट बनाया था 25,000 यूनिट के लिए, एक्चुअल में मैंने प्रोड्यूस किए सिर्फ 18,000 यूनिट. क्यों रे? डिमांड कम हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, तेरे को करना क्या है? कहीं जरूरी है बजट 25,000 का बनाया तो माल भी 25,000 बिकना चाहिए, नहीं ना? मेरा बजट कितने का बनाया मैंने? अरे रिस्पॉन्स, तुमको इतने बेसिक बेसिक, तुमको यहां पे जेल में डाला है क्या किसी ने? तो हंसते कि नहीं? कुछ कुछ लोगों की शक्ल देख के मेरे को मारने का मन कर रहा है मालूम है क्या? ऐसे गंभीर तरीके से घूर घूर के देखते हैं ना. अरे हंसो खेलो, तुमको 6 महीने रहना है ऐसे हर रोज, या आज पहला दिन है. तुम जब इसको एंजॉय करोगे इस प्रोसेस का तभी मजा आएगा, तुम अगर इसको हेट करोगे तो मजा नहीं आएगा तुमको यार. एंजॉय करो. 25,000 यूनिट का मैंने बजट बनाया था, लेकिन साला एक्चुअल में मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया? 18,000. कैसे? डिमांड कम हो गया. अब मैं 25,000 का जो कॉस्ट है वो लेके 18,000 के साथ कंपेयर करूं? नहीं, गलत होगा ना कंपेरिजन. 25,000 के लिए मैंने जो कॉस्ट इनकर किया था, मैं बोलता हूं हाँ अपना बजट बहुत ज्यादा है चलो खर्च कर लेते. अरे गधे, तूने 18,000 प्रोड्यूस किया, इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग अमाउंट दैट यू हैव बजेटेड फॉर 25,000 फॉर 18,000 एंड यू से लुक आई हैव सेव्ड समथिंग, यू आर एसोल बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टूड व्हाट द बेसिक्स ऑफ कॉमन सेंस. तेरा कॉस्ट 25,000 का है और तू कंपेयर किसके साथ कर रहा है? 18,000 के साथ. तो क्या कंपेरिजन नहीं हो सकता बजेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट? बाउंसर समझा गया?
ये कंपैरिजन कब हो सकता है? जब क्वांटिटी सेम है। लेकिन ऐसा कैसे होगा हर बार क्वांटिटी, जितना बजट किया था उतना एक्चुअल क्वांटिटी तुमने बजट किया, तुम्हारे कोई घर के खर्च का या तुम्हारे पर्सनल खर्च का कब बजट बनाया तुमने? नहीं, बाप देता है सर जब भी लगे, अपना एटीएम है, जब चाहे तब पैसा देता है। बट इमेजिन यूर होस्टेलाइट, कितने लोग होस्टेलाइट इधर? अरे बहुत सारा पब्लिक होस्टेलाइट है, वेरी गुड। अपन भी होस्टेलाइट था बनने तक, बहुत मस्त एक बजट बनाने का। और बाप तुमको पैसा देता होगा महीने का, अभी क्या लिमिट रहता है मालूम नहीं, 8-10 हजार लगता होगा खर्च। कितना? 5,000-15,000। ऐसी कौन सी सर्विसेज लेता है तू? अच्छा, इंक्लूडिंग फूड एंड एवरीथिंग, ओके फिर ठीक है। मेरे को लगा हॉस्टल का रहने का 15,000 मतलब थोड़ा जरा ज्यादा हो गया, ठीक है जो भी है। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने तेरे को 15,000 दे दिया, बाप पूछता है कि नहीं तेरे को किधर किधर खर्च किया? तो बाप तेरे को क्या क्या 15,000 का बजट सेट करके दिया। अब तेरा 15,000 20 दिन में खत्म हो गया तो फिर डाउट आएगा। किसको डाउट आएगा? आपको डाउट आएगा ना, क्या डाउट आएगा? बच्चा अपना कुछ तो बच्चे ने कुछ तो खर्च कर लिया, पापा क्या करेगा? कॉस्ट कंट्रोल करेगा, वो पूछेगा तेरे को किधर किधर खर्च किया। अब चलो इधर क्वांटिटी प्रोड्यूस वगैरह कुछ नहीं, तो कुछ ऐसा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बट धंधे के अंदर तुमने पहले बजट सेट किया 25,000 क्वांटिटी के लिए और तुमने महीने के एंड में चेक किया 18,000 ही प्रोड्यूस किया और तुम कंपेयर करके बोलते तुम मैंने कम सेव किया। नहीं, देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने? स्टैंडर्ड कॉस्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने। अब बोलेंगे क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट? सो क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक चीज याद रखना, द मोमेंट आई यूज द वर्ड स्टैंडर्ड यू शुड रिमेंबर वन वर्ड, टा। क्या वर्ड यूज किया मैंने? स्टैंडर्ड कॉस्ट। व्हाट डज स्टैंडर्ड कॉस्ट? हिंदी में लिखता हूं मैं तुम्हारे समझने के लिए, क्या पब्लिक का क्वालिटी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरे को तुम्हारा मैं बोल रहा हूं तुमको मैं ऐसा इंप्रूव करूंगा ना बाय द एंड ऑफ द बैच। मेजर कर कर ना तुम्हारा दिमाग का लेवल आज मेजर किया गया। ख कैसे लिखेंगे रे? ये राइट है, ये ऐसा कनेक्ट करते ना मेरे हिसाब से, ऐसा कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना खर्चा होना चाहिए था, हाउ मच एक्सपेंडिचर यू शुड हैव इनकर्ड फॉर, अब ये आगे का मैंने लिख सकता हिंदी में, फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट। फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट? एक्चुअल आउटपुट। जो भी तुमने एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, वो क्वेश्चन पूछो। आप बोलेंगे सर बजेटेड कॉस्ट भी वही था ना सर? अरे नहीं रे गधे, बजेटेड कॉस्ट वॉज, वो लाइन कॉपी करता हूं सब कुछ, तुम नहीं कर सकते, मेरे पास ऐसा फीचर है, कॉपी पेस्ट नॉट टूथपेस्ट। कितना खर्चा होना चाहिए ता नहीं करने का, कितना खर्चा होना चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग, ता कब करते हो? एक्चुअल होने के बाद कितना होना चाहिए ता, फाउंडेशन में कितने मार्क्स आने चाहिए थे, इंटर में कितने मार्क्स आने चाहिए थे नहीं पूछोगे आज तुम। आज तुम इंटर चालू किया ना, आज का क्वेश्चन पूछो करोगे इंटर के लिए? क्या क्वेश्चन पूछोगे तुम? कितने मार्क्स आने चाहिए चाहिए स्टॉप। तो वैसा ही बजटेड कॉस्ट क्या वर्ड था? कितना खर्चा होना चाहिए फॉर विच आउटपुट? अरे विच आउटपुट? बजटेड आउटपुट। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? बोलो। ओ आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस, कॉस्ट को एनालाइज करेंगे हम, बट मैंने बोला नहीं है बच्चों, कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस है। उतना तो दिमाग है तुम्हारे पास, फाउंडेशन पास हो गया, उतना भी बेसिक का जरूरत नहीं है। सी मीन्स सी ऐसा होता है। एक्चुअल कॉस्ट इज व्हाट? कितना खर्चा हुआ हुआ कैसे ओ हे ये हुआ था कैसे आएगा रे? हुआ है, अरे ठीक है ना मैडम, जो भी है ठीक है ना, आई राइट इन इंग्लिश देन। कितना खर्चा हुआ है फॉर व्हाट? आई नो हिंदी शुड नॉट बी रिटन बट इट्स ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एक्चुअल
आउटपुट। सो समझा गया कुछ, कितना खर्चा हुआ है फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट एक्चुअल आउटपुट। सी मैं कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या चैप्टर से क्या है वो नहीं बोल रहा हूं तुमको अभी। क्यों नहीं बोल रहा हूं? अरे तुमको सब्जेक्ट ही मालूम नहीं है यार, क्या चैप्टर का लिस्ट दूं तुमको? पहले मेरे को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने दो, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या सीखने वाले सब कुछ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। चार लेक्चर, पांच लेक्चर, छह लेक्चर, आठ लेक्चर, दस लेक्चर, वो डरना मत तुम। जब तक तुमको ग्रिप नहीं आता ना तब तक मैं सिखाते रहेगा, वो ग्रिप आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमको कभी भी ग्रिप नहीं आएगा, इतने भी तुम यूजलेस नहीं हो। डिड यू नोटिस समथिंग? व्हाट कैन बी कंपेयर्ड एंड व्हाट कैन नॉट बी कंपेयर्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल? व्हिच थिंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड? बजेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन करने के लिए क्या तुम कुछ भी कंपेयर कर सकते? लेकिन सेंस नहीं ना। पाकिस्तान का जीडीपी लेके तुम इंडिया के जीडीपी के साथ कंपेयर करता और बोलता है ओ इंडिया इज डेवलप्ड, पॉइंट नहीं है। तुम कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो। या आजकल बहुत सारे लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बीजेपी फैंस और गवर्नमेंट फैंस, दे आर सो प्राउड, इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट कुछ तो बन गया है। वी हैव ओवरटेकन ब्रिटिशर्स, देखो उन्होंने अपने ऊपर 150 साल तक राज किया और हम उनको ओवरटेक कर लिया है। प्राइड मोमेंट है हमारे देश के लिए। अरे मोदी जी यार, मिस्टर अमित शाह, व्हाट एवर बीजेपी पर्सन सर, एक चीज आंसर करना ना, उनका पॉपुलेशन देखो, अपना पॉपुलेशन देखो, पर कैपिटल जीडीपी को कंपेयर करो ना। आप टोटल जीडीपी क्यों कंपेयर कर रहे हो? इंडिया टोटल जीडीपी हैज एक्सीडेड यूके, ओके करेक्ट, बट इधर 140 करोड़ लोग पैदा हुए हैं, उधर 20 करोड़ भी नहीं है। अब तुमने ओवरटेक किया तो गलत कंपैरिजन मत करो। टोटल जीडीपी कंपेयर करना गलत होता है, पर कैपिटा जीडीपी लॉजिकल होता है, उसमें भी प्राइस लेवल एडजस्ट करके, उसको परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, हायर लेवल इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में आएगा। लेकिन हम अपने पब्लिक को किधर समझता? पब्लिक को क्या फीलिंग आता है, मेरा देश आगे बढ़ गया, पैट्रियटिज्म, आए 26 जनवरी भारत माता की जय। अरे बेसिक समझ ले बेटा, कंपैरिजन तू गलत कर रहा है। वही अगर तेरे को कंपेयर करना ही है बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, तू कर सकता है और तू बोल सकता है, देख 25,000 के लिए मैंने 70 करोड़ का कॉस्ट बजट किया था, एक्चुअल कॉस्ट हमारा सिर्फ 52 करोड़ है, हमने 18 करोड़ सेव कर लिया, कॉस्ट कंट्रोल कर लिया हमने 18 करोड़ का। अरे गधे, ये 70 करोड़ 25K क्वांटिटी का था, ये 18K क्वांटिटी का है, तू कंपैरिजन ही गलत कर रहा है। समझ रहे क्या तुम? एक तुम्हारे घर वाले तुम गलत कंपैरिजन कर रहे होगे, फाउंडेशन के मार्क्स तुमको 200 या 52% आने के बाद बहुत सारे लोगों को घर पे गाली दिया होगा मम्मी पापा ने, साला तेरे को 10th में इतना मार्क्स था, 12th में इतना मार्क्स था, अभी कितना 52% आ रहा है, रिलेटिव को कैसे बताऊं मैं? कितने लोगों ने बोला घर पे मम्मी पापा ने, कितने लोगों को बोला ऐसे मार्क्स कमाने परसेंटेज में कमाने के बाद? बोला मम्मी पापा को हाथ जाके बोलो, मम्मी ये फाउंडेशन का रिग्रेशन है, क्वेश्चन सॉल्व कर। उसको बोल, उसको समझता है नहीं ना, वो कंपैरिजन किसका देखती है? परसेंट, मेरे बच्चों का 95% आया था, अभी कितना आया? 52%। अरे इट्स ओके, या कुछ बच्चे उसके बाद भी रोते हैं, मेरे को परसों एक बच्चा आया था 200 मांगे, मैं सीए कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? वो किधर गई? वो तेरे साथ ही आई थी ना वो मैडम, किधर है वो? हाय मैडम, रो रही थी। मैं बोला यार क्यों रो रही है तू? उसको घर पे बोला 222 है, 200 कितने आए थे तेरे को? 216, तभी रो रही थी। मतलब क्यों रो रही है यार तू? इट्स ओके है, 216 गए, 200 वाले का पूछ खुशी कितनी है। वो बेचारा 4 बार अब तक मार्कशीट चेक कर चुका होगा वेबसाइट पे जाके वापस, कि सच में 200 है ना। कितने लोगों ने वापस मार्कशीट जाके चेक किया रे? देखो बेचारे को डाउट था, मतलब 200 वाले का तो पूछना है, तो 216 का मतलब क्या है? तो वही ना, आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो, किस चीज का? आपके 10th के या 12th के मार्क्स का। और मैं आपको बोलता हूं लिटरली कोई मतलब नहीं, मेरे को 10th में कितना मार्क्स मालूम है, गेस करो, 64%। कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? अरे मेरे को 10 में नहीं इंटरेस्ट है, वर्ल्ड कप था यार उस टाइम पे। कुछ बाद में समझा, कुछ आता नहीं था अपने को, लेकिन फालतू का हम टाइम पास किए। सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे उस जमाने में, अभी नहीं। अभी समझ में आया गया, अपने स्टॉक मार्केट का फैन होना चाहिए अपने को। क्रिकेट मैच देख के मेरे को कुछ नहीं मिलता 1 रुपया। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं, 800 पे सेंसेक्स था,
जब वो रिटायर हो गया, सेंसेक्स लगभग लगभग 15-16 हजार पे गया था, उस टाइम पे हम सिर्फ तेंदुलकर सेंचुरी मारा, अरे मेरे को 1 रुपया नहीं दिया, वो रिच हो गया। उसका गलत, उसका कोई गलती नहीं है, अपना गलती है। उस टाइम पे सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना सिखाया होता किसी ने, इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करना सिखाया होता, हम भी उसके साथ साथ रिच बन गए होते ना। अपना पब्लिक तेंदुलकर विराट कोहली ड्रीम इलेवन खेल रहा है, रमी खेल रहा है, और क्या ड्रीम इलेवन जैसा क्या है, बहुत सारे ऐप्स है ना, वो खेल रहा है, वो विराट कोहली रिच हो जाएगा, शुभमन गिल रिच हो जाएगा, और कौन है एक्सीडेंट वाला, कौन आइटम, ऋषभ पंत रिच हो जाएगा, वो क्रिकेट खेल के रिच हो जाएगा। तुम ड्रीम इलेवन पे अपना 25 रुपए खेलते बैठो। उसके अलावा थोड़े ड्रीम देख लेना, इंडेक्स फंड एनालिसिस या स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत सीखोगे ना, खुद रिच हो जाओगे। स्टॉक मार्केट मतलब ये नहीं बोल, मैं आपको ये नहीं बोल रहा यस बैंक के शेयर खरीदो, आइडिया वोडाफोन खरीदो, आपको प्रॉपर वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। एक बैच अप्रैल के बैच में शायद मैंने एक लेक्चर लिया था, उसके बाद मेरे 2 लेक्चर लिए थे तुम्हारे बैच में मेरे हिसाब से। उसके बाद बच्चों ने परेशान, कितने लोगों ने चालू किया था उसके बाद इंडेक्स इन्वेस्टिंग, SIP चालू किया था कुछ। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे आप 40 साल में रिटायर हो सकते हो, 40 साल में मतलब यहां से आगे 40 नहीं, एट द एज ऑफ 40 यू कैन रिटायर प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ, एक्सेल के साथ। मैंने शीट बना के दिया था कि नहीं, रिटर्न्स निकाल के पढ़ो। 2 लेक्चर गए थे, उसके बाद भी बच्चे ने मेरे को कोई तो फालतू डाउट पूछा था, एक पीछे बच्चा था लास्ट बेंच पे, हार्डवर्क है वो, क्या क्या पूछा था उसने, हार्डवर्क तू था क्या, हार्डवर्क 40 साल के बाद किया तो, हाँ उसने ये पूछा था, 40 साल तक एंजॉय करते सर, उसके बाद हार्डवर्क कर लेते सर। और मैं तो उसके बाद बोला, बोला यार इधर वापस ये क्लास में आना ही नहीं चाहिए, क्या बोलो, मतलब उसको जी जान लगा के कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बता के 17-18 साल के बच्चों को एक्सप्लेन करा, फिर मेरे को समझ में आया बेटा ये जनरेशन पूरा बर्बाद हो चुका है। सो पॉइंट इज, आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन किस चीज का होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट का और एक्चुअल कॉस्ट का, और उसको हम बोलेंगे वेरियंस। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है सिलेबस में, वेरियंस एनालिसिस, या उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कितना खर्चा होना चाहिए ता वर्सेस कितना खर्चा हुआ है। वेरिएंस कैन बी एडवर्स या वेरिएंस कैन बी फेवरेबल। एडवर्स मतलब एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, या वेरिएंस कैन बी फेवरेबल, एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्ट, कितना खर्चा होना चाहिए ता और कितना खर्चा हुआ है। ये कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट को हम क्या बोलता है बच्चों, कॉस्ट कंट्रोल। अब ये कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा, डेटा होना चाहिए ना आपके पास, बजटेड कॉस्ट क्या था, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एलिमेंट। और ये कॉस्ट कंट्रोल टोटल बेसिस पे नहीं करना है बच्चों, आइटम बाय कॉस्ट, ऑब्जेक्ट बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट, विद इन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, आइटम बाय आइटम, रॉ मटेरियल बाय रॉ मटेरियल मेरे को समझना चाहिए। ये मटेरियल पे इतना खर्च होना चाहिए था, इधर इतना खर्च हुआ, ये वर्कर का इतना सैलरी, इधर इतना सैलरी, ये रिपेयर्स मेंटेनेंस इधर, ये इधर, ऐसा आइटम बाय आइटम डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने आना चाहिए ग्रॉस लेवल पे। सिलेबस में इतना डिटेल नहीं करेंगे हम, बट रियल लाइफ में यही सारी चीज, सॉफ्टवेयर है यार, सॉफ्टवेयर को आप ये फीड कर दो, सॉफ्टवेयर पूरा डेटा आपको रिपोर्ट बनाकर देगा, बट वो सॉफ्टवेयर के लिए क्या कोडिंग करना चाहिए, क्या देना चाहिए आपने, वो आपको सीखना है। एंड वंस यू हैव दिस डेटा, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली वेयर हैव यू स्पेंट मोर, वेयर हैव यू स्पेंट लेसर, व्हाई हैव यू स्पेंट मोर और व्हाई हैव यू स्पेंट लेसर, वेदर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल वॉज पुअर बिकॉज ऑफ विच यू स्पेंट मोर, और वेदर योर वर्कर्स वेर इनइफेक्टिव, वेदर योर मशीन्स वेर डेफिशिएंट, क्या रीजन थे, वो रीजन आपको क्या करने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेगा। सॉफ्टवेयर तुमको सिर्फ बोलेगा डिफरेंस इतना है, सॉफ्टवेयर ये नहीं बोलेगा ये 10 रीजन है, रीजन तुमको खुद जाके क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके तुमको रीजन समझ में आएंगे। धंधा वही तो है ना, धंधे में क्या तुमने धंधा चालू किया डे वन पे सक्सेसफुल हो गया, ऐसा बहुत कम बार होता है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है, तुम गए और एक्टिंग कर लिया और गलती से सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं बट वो रेयर होते हैं, 1 out of million। बट धंधा इज वेरी हार्ड वर्क, यू नीड टू एनालाइज, यू विल नॉट गो राइट ईच एंड एवरी टाइम, देर आर मेनी टाइम्स यू विल मेक अ मिस्टेक्स एंड यू जस्ट रिफाइन आउट ऑफ दोज मिस्टेक्स, यू जस्ट रिफाइन, यू विल कम टू नो कि ये चीज मैंने नहीं करनी चाहिए, ये मटेरियल नहीं लेना चाहिए था, ये मिक्सिंग का जो प्रपोर्शन किया हमने ये गलत है। मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ यार, सात्विक के अंदर हमने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस है, सात्विक एंड आदरिश ऐसे दो नाम है हमारे, एक भगवान शंकर का नाम है, मैंने आपको, मैं भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखता लेकिन अपने बाकी लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ,
रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी लोग हैं तो हमने जीरो वेस्ट इंडिया का फर्स्ट स्टोर बनाया हमने, हम कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं करते, सारा का सारा फूड ग्रेन्स और सब कुछ विदाउट प्लास्टिक सेल करते हैं हम। लेकिन हमको इतना कस्टमर को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आया क्योंकि उसके वजह से टेस्ट अलग लगता है। आप जो खाना खाते हो ना, मेजोरिटी ऑफ योर फूड इज एडल्ट्रेटेड, यू डू नॉट नो द ट्रू टेस्ट ऑफ द फूड। ट्रू टेस्ट मालूम नहीं तुमको, क्यों? वो प्लास्टिक से एडल्ट्रेट करके पैकेजिंग एडिटिव्स करके आता है, उसके अंदर एडिटिव्स रहते हैं। वो अगर कहता है हमने बोला हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास कंसेप्ट पैकेजिंग का कंसेप्ट नहीं है, रॉ एज इट इज फ्रॉम द फार्म टू द शॉप्स। वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने कंटेनर्स डेवलप किए, उसके जो कंटेनर्स उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को समझे। लेकिन इतना माटी खाया हमने उसमें, क्यों? कौन से प्रोडक्ट को क्या टाइप का कंटेनर चाहिए, यही लॉजिक हमको समझ में नहीं आया शुरुआत में। हमने एक कंटेनर बना लिया वन साइज फिट्स ऑल, फिर बाद में समझ में आया अरे ये प्रोडक्ट को ये कंटेनर चलता है, ये प्रोडक्ट को ये कंटेनर चलता है। इंप्रोवाइजेशन ओवर व्हाट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो यू कैन नॉट, डीमार्ट मेक्स वन ऑफ द फैंटास्टिक प्रॉफिट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ सेलिंग देयर ग्रोसरी आइटम्स एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स, बट यू नो हाउ मच टाइम राधा किशन दमानी टुक टू ब्रिंग अ डीमार्ट टू इट्स लेवल? पहले डीमार्ट के दो स्टोर से तीन चार स्टोर बनाने के लिए उन्होंने 8-10 साल लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ टू इंप्रूव आवर प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट फैक्टर वी शुड ट्रैक, व्हाट फैक्टर्स वी शुड इग्नोर। आवर फर्स्ट फोर स्टोर्स रिक्वायर्ड अस 5.5 years, नेक्स्ट 40 stores केम इन 3 years, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। Opened United States this Diwali 2022, about 1 kilometer away from Google's office. It took. क्यों? फिर मेरे को एक बार business का perfection आ गया, मेरे को cost कहाँ पे मैं incur कर रहा हूँ? तुमको analysis, तुम new, तुम go to the next level, not in the syllabus. Don't be under the impression कि आप 31 मई को direct आप सब कुछ जाके business के CEO बन जाओगे आप किसी company के। नहीं, वो भी मैं आपको over promise नहीं कर रहा हूँ। मतलब it is like एक्टिंग स्कूल में गया और मैं तुमको बोलता हूँ डायरेक्ट शाहरुख खान बनाएगा, देगा नहीं, उतना भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। बट आपको दिमाग एनालाइज करना है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएंस। वेरिएंस को क्या बोला मैंने? कॉस्ट कंट्रोल। तो आपको तीन चीजों पे यहां पे मेजर फोकस मिलेगा, कॉस्ट कंट्रोल और इसमें और एक चीज क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। हम बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन मतलब परमानेंटली यू ट्राई टू फाइंड आउट टेक्निक्स यूजिंग विच योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन कम डाउन। आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स बदल सकते हो, लाइक सिंपल एग्जांपल देता हूं कॉस्ट रिडक्शन का, 2 मिनट में समझ में आएगा आपको, परमानेंटली आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। वी आर वर्किंग विद द फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, दिस कंपनी मेक्स अ पीवीसी पाइप्स। दिस प्रहलाद छाबरिया जी चेंज माई लाइफ एंटायरली, कभी जिंदगी में पॉसिबल हो सके तो उनका लाइफ ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेना। देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज अ सेल्फ मेड मैन, अ पर्सन हू केम अवे फ्रॉम केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया विद अ 10 rupees नोट दैट टू रॉब्ड बाय द पठान्स एंड केम डाउन टू पुणे सिटी विद अ 4th स्टैंडर्ड नॉलेज कैन सेट अप द एम्पायर ऑफ अबाउट 30,000 crores एज ऑन टूडे इन पुणे सिटी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एंड फिनोलेक्स केबल्स, चौथी तक उनका एजुकेशन है। बट ही रन्स इंडियाज टॉप 5, प्रहलाद छाबरिया जी इज नॉट लॉन्गर देयर इन दिस वर्ल्ड, एक हिंजवडी करके आईटी हब है, वहां पर एक बहुत बड़ी आईटी कॉलेज I2IT करके उन्होंने क्रिएट किया। पर्सन हु हैज अ नॉलेज अबाउट व्हाट 4th standard, क्रिएटिंग दिस लेवल ऑफ ग्रुप, शेयर कॉमन सेंस एंड डिटर्मिनेशन, वर्कड एज काइंड ऑफ नॉर्मल वर्कर इन लक्ष्मी रोड शॉप्स एंड फ्रॉम देयर क्रिएटिंग अ ह्यूज एम्पायर एंड दैट टू He was not from a poor family. He was a rich money lender. सिंधी कम्युनिटी के अंदर भी एक निश कम्युनिटी रहता है जो मनी लेंडिंग का काम करता है। पाकिस्तान के सिंध से थे, बट आफ्टर पार्टीशन हैड टू कम हियर, फादर हैड एक्सपायर्ड, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया था, केम डाउन टू इंडिया एंड क्रिएटेड अ एम्पायर आउट ऑफ नथिंग बाय डूइंग अ डेली जॉब्स। आपको ऐसे बहुत सारे स्टोरीज बोलूंगा, सैटरडे सैटरडे हम स्टोरी खेलेंगे। सो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज मेक्स अ पीवीसी पाइप्स। वो पीवीसी जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेड करना पड़ता है उनको, यहां पर अपने इंडिया में उतना मिलता नहीं था। अभी सर मैन्युफैक्चर थोड़े चेंज हो गए, बट तभी भी एट दैट टाइम दे हैड अबाउट 90-95% ऑफ देयर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अब जो इम्पोर्ट था वो एयरपोर्ट से जो आना वो बहुत कॉस्टली रहता है, एयर ट्रांसपोर्ट से आना. सो मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्ट्स हैपन थ्रू सी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट. तो रत्नागिरी में उनका प्लांट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रत्नागिरी में जब हाई टाइड रहता है मानसून के टाइम पे, तो वो सी शोर पे या जो वहां पर जगह है वहां पर शिप को मटेरियल ऑफलोडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज शिप सी शोर पे शिप आ ही नहीं सकता इन केस ऑफ व्हाट, मानसून हाई टाइड है. मानसून के टाइम पे समुद्र क्या होता है, बहुत वोलेटाइल रहता है. सो उसकी वजह से इनको क्या करना पड़ता था, अगले 4 महीने का मानसून के टाइम पे, 3-4 महीने का जो मानसून का पीरियड था, उसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो एडवांस में परचेस करके रखना पड़ता था उनके गोडाउन के अंदर. क्यों? क्योंकि समुद्र से माल लाना बहुत मुश्किल होता था. तो 3-4 महीने का माल वो साथ इकट्ठा खरीद लेते थे और गोडाउन में रखते थे. अब इस वजह से क्या हो रहा था, अननेसेसरी गोडाउन का साइज बड़ा हो गया, अननेसेसरी तुम्हारा स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ा हो गया, अननेसेसरी तुमको इंश्योरेंस ज्यादा अमाउंट का लेना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल गोडाउन में माल ऐसा आग लग गई कल तो जाएगा तुम हार्ट अटैक से ऊपर. तो पूरा 3-4 महीने का माल है, पूरा तुम विदाउट इंश्योरेंस रहेगा तुम खत्म. आग लग गई पीवीसी यार, मटेरियल देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर इन्फ्लेमेबल, आग लग गई कुछ कर नहीं सकते आप. या कोई गया वहां पर सिगरेट का बीड़ी मारने वाला आदमी, वर्कर लोग है क्या, कुछ कर नहीं सकते, बीड़ी डाल दिया उसने लग गया अपना धुए चला दी, धुए में जिंदगी उड़ा दे हुए फिक्र में, कुछ ऐसा गाना था वो गाना गाते गाते फेंक दिया उसने, लग गई. तो इंश्योरेंस को सारे के सारे कॉस्ट ज्यादा थे, एंड दिस कॉस्ट वर रिकरिंग कॉस्ट, एवरी ईयर दे हैड टू इनकर दीज कॉस्ट. दे फाउंड आउट अ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. रत्नागिरी से कोई है यहां पर, जेट्टी पे कभी गई फिनोलेक्स के? अभी तक देखा नहीं. कॉलेज है उनका, कॉलेज मालूम है, बहुत साल से कॉलेज चला रहे. जब इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी नहीं था तब से रत्नागिरी में कॉलेज और स्कूल चला रहे. तो वहां पर उन्होंने जेट्टी बना लिया. नहीं समझा, जेट्टी अप्रोच रोड इन टू द सी, समुद्र के ऊपर रास्ता बना लिया. बोले हाँ मतलब वो भगवान राम ने बनाया था तब, या हनुमान ने जो बनाया था वो जय श्री राम? नहीं वैसा नहीं, जेट्टी मतलब ये प्रॉपर, अभी ऐसा कोई मतलब वानर सेना करके गंजब नहीं, ऐसा पत्थर फेंक दे राम का, भगवान राम का नाम लिख के फेंक दे और क्या हो गया, पुल बन गया और वो श्रीलंका चले गए. माइथोलॉजी है वहां पर ही रखो, एक्चुअल लाइफ में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, यू हैव टू क्रिएट अप्रोच रोड. तो उन्होंने एक अप्रोच रोड बनाया ताकि क्या हो जाए, सी शोर पे पानी बहुत फ्लक्चुएट रहता है, बट वो शिप जो है वो शिप एटलीस्ट थोड़ा दूर, 1-2-3 किलोमीटर वे डिस्टेंस, मेरे को याद नहीं कितना एग्जैक्ट, 3-4 किलोमीटर अंदर तक रास्ता बना लिया. वहां पर पानी क्या रहता है, 3-4 किलोमीटर अंदर गए तो पानी थोड़ा सा वहां पर स्टेबल रहता है, सी शिप जो है वहां तक आखिर रुक सकता है, और फिर वहां से ट्रक या ट्रैक्टर या जो भी मटेरियल है या छोटे छोटे शिप्स में आप माल अनलोड करके, बड़ा जो शिप रहता है वो वहां पर रुकेगा 4-5 किलोमीटर अंदर जो भी है, और वहां से अंदर रहेगा. इससे क्या हो गया, जो वेयर हाउस इतना बड़ा लगता था पहले वो इतना लगने लग गया, जो इंश्योरेंस इतने बड़ा अमाउंट का लेना पड़ता था वो इतना हो गया, जो स्टोरेज की कॉस्ट थी, इन्वेंट्री कैरी करने की कॉस्ट रहती है यार, इन्वेंट्री का स्टोरेज कंडीशन टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखना पड़ता है, वो सारे के सारे कॉस्ट क्या हो गए, परमानेंटली रिड्यूस हो गए. कॉस्ट रिडक्शन इज अ परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट बाई चेंजिंग योर मेथड ऑफ प्रोडक्शन और बाई चेंजिंग द वे यू प्रोसेस रॉ मटेरियल और द वे यू वर्क. इट्स कॉल्ड द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR. आप आपके जो प्रोसेसेस है उनको पूरा का पूरा क्या करो, री इंजीनियर करवाओ. री इंजीनियर मतलब री इमेजिन करो तुम्हारी लैंग्वेज में, और आप आइडेंटिफाई करो जो जो प्रोसेसेस में फ्लॉज है, जहां जहां आप अननेसेसरी कॉस्ट इंकर कर रहे हो जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, उन एक्टिविटीज को क्या करो, निकाल दो. वो पीवीसी 4 महीने पहले खरीद के मेरा उसमें रखे, उससे कुछ वैल्यू एडिशन होता था क्या? नहीं, ऑन द कंट्री लॉस होता था, ऑब्सोलीट बनता था, कुछ खराब होता था. तो ऑब्सोलेसेंस नाम तो सुना होगा गलती से, स्पेलिंग नहीं आता होगा, तो भी कुछ तो लॉस होता था ना उनको. वो लॉसेस क्या हो गए, कम हो गए, स्टोरेज कॉस्ट कम हो गया, स्टोरेज का जगह कम हो गया, मेरे पास बहुत ज्यादा पीवीसी है, उससे कुछ फायदा था क्या? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं था. ज्यादा पीवीसी स्टोर करने से ऐसा कुछ पीवीसी की वैल्यू बढ़ती थी या कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं था. उसके प्राइसेस पीवीसी के बहुत ज्यादा स्टेबल रहते थे उस जमाने में,
बट ज्यादा रखने से स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा जा रहा था, इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा जा रहा था, बाकी उसके स्टोरेज के क्लाइमेट टेम्परेचर मेंटेन करने के कॉस्ट ज्यादा जा रहे थे, ऑब्सोलेसेंस हो रहा था, ये सारे के सारे कॉस्ट एक जेट्टी से कम हो गया, लेकिन वो जेट्टी बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ा। अब मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो जेट्टी मैं खुद बनाऊं, जेट्टी का जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है और ये जो सेविंग होगा मेरा पर एनम, ये मैच होगा कि नहीं होगा। डिसीजन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेविंग पर एनम अगले 10 साल के लिए होगा, जेट्टी का खर्चा आज करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथ्स, डर मत, विदाउट मैथ्स विल चिट लर्न। 40 वाले को देखना पड़ेगा ना, मैं जेट्टी का कॉस्ट आज खर्च कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को रेवेन्यू जो सेविंग होने वाला है वो फ्यूचर में होने लग रहा है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है। कंपेयर कैसे करूं? आई कैनॉट कंपेयर। क्या हुआ रे, दरवाजा का आवाज था ना, फिर बच्चे ने नहीं किया ना। सो जो जेट्टी का कॉस्ट है और जो सेविंग है वो एक टाइम पे नहीं हो रहा है, तो उनको जब समझ में आया कि ये सारा इकोनॉमिक्स उनका ठीक से वर्क नहीं हो रहा था, जेट्टी का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो सेविंग मैच नहीं हो रहा था, दिमाग में आइडिया आ गया उनके, ये जेट्टी हम अपने लिए ही खुद क्यों यूज करें। रत्नागिरी एक एरिया है महाराष्ट्र में, वहां पे बाकी भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको जेट्टी यूज करने अलाउ करते हैं, उनसे हम क्या करेंगे, कुछ चार्जेस लगाएंगे उनको जेट्टी यूज करने का, और वो चार्जेस से अपना कॉस्ट या जो सेविंग है वो ज्यादा हो जाएगा। जो कॉस्ट का अपना सेविंग है वो तो हो ही रहा है, प्लस रेवेन्यू आ रहा है कहां से, वो टोटल लेके जेट्टी का कॉस्ट हम मैनेज करें। दे डिड इट, दे अचीव्ड अ ह्यूज ह्यूज रिडक्शन इन देयर कॉस्ट ऑन अ परमानेंट बेसिस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दे सकता हूं, जहां पे आप कॉस्ट का जब एनालिसिस करोगे, ये सब करने के लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अलग अलग ईयर्स के कॉस्ट, अलग अलग क्वार्टर्स के, अलग अलग पीरियड्स के, अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए, कॉम्पिटिटर का कॉस्ट, ये सारा डेटा आपके सामने जब होगा ना, आपका डिसीजन इमोशन से नहीं, डेटा बेस्ड, डेटा ड्रिवन डिसीजन होगा। बहुत सारे लोगों का स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट रहता है ना, वो इमोशन ड्रिवन या टिप ड्रिवन, या कहीं पे टीवी पे बोला या एसएमएस पे टिप आया या व्हाट्सएप पे टिप आया या पेपर में कहीं पढ़ा, वो कभी डेटा देखते ही नहीं है, डेटा देखते नहीं। बाय द एंड ऑफ द ग्रुप टू यू विल बी इन अ पोजिशन टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सारे रेशियोज है आपके सिलेबस में, सारे के सारे रेशियोज आपके सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डाउनलोड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, जनरेट द रेशियोज फर्स्ट मैन्युअली एंड देन थ्रू एक्सेल। क्यों हर बार रेशियोज डाउनलोड करो, रिपोर्ट करो, टाइम नहीं लगता है। क्यों, आप सारा चीज ऑटोमेट कर सकते हो। एआई किस लिए है? आपको जो जो रेशियो चाहिए आइडेंटिफाई करके रखो, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए एक एक्सेल का टेम्पलेट होता है, वो टेम्पलेट क्रिएट करो और फिर बोलो दूसरे कंपनी का डेटा डाउनलोड कर, वो डाउनलोड किया हुआ डेटा जो है वो डेटा के ऊपर ये टेम्पलेट रन कर, ये टेम्पलेट रन करके मेरे को क्या करके दे, रेशियोज जनरेट करके दे। टाइम लगता है मेरे को, कोई भी कंपनी का डेटा, मेरे को बेसिक रेशियो चाहिए पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट बेसिक डेटा जो नंबर चाहिए, नंबर्स के लिए मेरे को लगता है 1.5 मिनट, कोई भी लिस्टेड कंपनी 1.5 मिनट। सारे रेशियोज आइडेंटिफाई करके एक एक्सेल शीट मैंने बना के रखा है, वो एक्सेल शीट मैंने सिर्फ क्या करना है, रन करना है ये कंपनी के ऊपर। हाँ क्या डेटा आपको मैं सिखाऊंगा, यूट्यूब पे ले लेंगे, लेक्चर के अंदर नहीं बदल पाऊंगा, यूट्यूब पे ले लेंगे लेक्चर, बट आज नहीं, मैं आपको सारी चीजें आज की नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ट्रेलर ओवर द व्हाट यू आर गोना लर्न इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ समझा क्या बोला मैंने? सो कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्टिंग का ब्रॉड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो बहुत लिमिटेड स्कोप है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, और मैंने आपको सिर्फ डिसीजन मेकिंग का फ्रैक्शन बोला है, 0.1 to 0.2% बोला, ये सब्जेक्ट की कैपेबिलिटी क्या है, ये सब्जेक्ट की सिलेबस का बहुत सारा चीज बोला है, सिलेबस इतना वास्ट इतना डेप्थ के अंदर नहीं है, मैं आपको डर मतलब बोल रहा हूँ, इतना वास्ट डेप्थ नहीं है, लेकिन आप विजन तो क्रिएट करो ना यार। आप एक चीज सुन लो, आप जब 10 पेजेस या 50 पेजेस पढ़ोगे ना, उसमें से आपको 50 चीज पढ़ा ना आपने, 50 में से आप रिटेन 10-15 ही कर पाओगे। अगर मैं जितना 15 तुम्हारे काम का है उतना ही तुमको सिखाऊ ना, तुम्हारा रिटेंशन कैपेबिलिटी और नीचे जाएगा, क्योंकि तुमने सुना ही नहीं। कोई तो भाई साहब वहां पर यूट्यूब पे पूछ रहे, सर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरी सब्जेक्ट है?
ये एक्सट्रीम लेवल का प्रैक्टिकल है। तुमको थ्योरी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम सीए कोर्स में बच्चों का क्या रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने आए तो प्रैक्टिकल, और जब डिस्कशन चला तो थ्योरी। इसमें प्रॉब्लम बहुत है बेटा, मैं सिर्फ डे वन पे भी मैं तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता था। फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट का मतलब टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड हाउ टू प्रेजेंट दोस कॉस्ट इन अ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कॉस्ट शीट फॉर्मेट है टिपिकल। आई कुड एक्सप्लेन बच्चों कॉस्ट, कॉस्ट में क्या है, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर ओवरहेड्स, इसका बहुत सारा चीज तुमको 5 मिनट में समझ में आएगा रे। बट आप ये कर क्यों रहे, इसका लॉजिक तुम जिंदगी भर, मतलब जैसे तुम भगवान के पास जाते हो तुम ये करते हो, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं वो क्यों कर रहे हैं या क्या, जो भी कुछ कर रहे हैं तुम, जो भी मंत्र पढ़ता होगा या जो भी कुछ करता होगा, मालूम ही नहीं तुमको, ऐसे कर रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला इसलिए, विदाउट नोइंग द ट्रू मीनिंग ऑफ इट। इसका मतलब ये नहीं घर पर जाकर तुम झगड़ा करके भगवान को ये करोगे ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, कुछ हुआ तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करना पड़ेगा। तो बेटा ये बहुत सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारा थ्योरी भी आता है। अगर मैं कॉस्टिंग के अंदर बोलूं 100 मार्क में से अबाउट 16 मार्क का थ्योरी, थ्योरी मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, बट वो थ्योरी ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार आपका आ गया या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ गए तो आप लिख नहीं पाओगे, आप आराम से लिख पाओगे। राइट, आई होप यू एंजॉयड योर डे वन। फाउंडेशन इंटर का फर्क समझा होगा, धीरे धीरे और समझेगा, बाकी चीज हम कल करेंगे। बाय बाय।